चलिए आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के थ्रू आगे बढ़ते हैं पॉलिटी में तो हम निखिल कहीं कदम आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे हर रोज बढ़ रहे हैं और बढ़ जाएंगे आगे बढ़ते बढ़ते हम एक दिन आगे बढ़ेंगे हम होंगे कामयाब एक दिन क्योंकि मेहनत करने वाले कामयाब होते हैं मेहनत करने वाले लोग मोहब्बत ही होते हैं मोहब्बत करते हैं काम से मोहब्बत करोगे तो ज़िंदगी में तरक्की ज़रूर मिलेगी ओके आज हम किसी और दिशा में आगे बढ़ते हैं कौन सी दिशा है इम्पोर्टेंट न्यूज़ हमारे स्टूडेंट विवेक को यह शब्द बहुत अच्छा लगा उन्होंने इंपॉर्टेंट न्यूज़ नाम दे दिया हमने भी मान लिया इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेक्चर वन टू लेक्चर थ्री तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में एक कदम और आगे बढ़ते हैं शब्द बदल गए कभी कंटेम्प्रेरी कहते थे कोई ग्रेंड कहता था अब इम्पोर्टेंट न्यूज़ अच्छा लगा मुझे इंपॉर्टेंट न्यूज़ में एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कहीं अनइम्पॉर्टेंट वाले टेंशन में जहाँ ना आ जाएं कि हमारी सारी खबरों को ये अनइम्पॉर्टेंट समझते हैं हो सकता है हम अपनी अल्पमत अपनी सूक्ष्म दृष्टि से इसी को इम्पोर्टेंट मान रहे हैं और भी बहुत कुछ इम्पोर्टेंट हो फ़िलहाल के लिए यही इंपॉर्टेंट है इसे समझें मैं आप लोगों की तरफ देख करके पढ़ाता हूँ किसी छात्रा ने कमेंट डाला है सर आप राइट साइड देख के पढ़ा रहे हो <laughs> 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 उसकी भी बात सही है कैमरा सामने लगा हम राइट साइड देख रहे हैं अब हम देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं तो खबर क्या है आज की जेली फिश ब्लूम इन इंडियन कोस्टल लाइन एंड इट्स एम्पैक्ट केरल की कहानी है ऐसा नहीं है कि ये कोई मुद्दा नया है आप अखबारें खोलें 2013 में भी 2015 में भी 2016 से लेकर 2019 तक लगातार आपको ये खबर मिलेगी अखबारों में ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है ये एक टॉपिक के वाया हम कई एस्पेक्ट्स को कवर कर जाएंगे और ये आपके कई सेगमेंट्स को कवर कर देगा क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी पर यदि क्वेश्चन आता है आपको सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज पर अगर क्वेश्चन आता है आपका एंथ्रोपोजेनिक डिज़ास्टर्स एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूशनस को लेकर के अगर इको को हार्म करने से जुड़ा हुआ कोई सवाल आता है ऐसे बेअंत प्रश्न आते रहेंगे उनके जवाब आप इसके माध्यम से कर सकते हैं प्रिलिम्स में कई तरह के क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं मेंस में इंटरव्यूज़ में पूछे जा सकते हैं उसी से जुड़ा है मुद्दा है तो ये खबरों में बना रहा इस बार फिर ये खबर में बना है केरल की वजह से आपको भारत की कोस्ट लाइन को यदो यदि दिखाया जाए तो ये लगभग गुजरात के इलाके से शुरू होती है गुजरात की कोस्ट लाइन सबसे लंबी कोस्ट लाइन है गुजरात से शुरू होकर के अगर मैं उसे पश्चिम बंगाल तक ले जाऊँ वेस्ट बंगाल तक ले जाऊँ बीच में मैं लक्षद्वीप आइलैंड्स और अंडमान निकोबार आइलैंड्स को भी इंक्लूड कर लूँ ऑलमोस्ट सेवेंटी फाइव हंड्रेड किलोमीटर के अराउंड बन जाती है ये अप्रॉक्स पचहत्तर सौ किलोमीटर लंबी हमारी तटीय रेखा है कोस्टल लाइन है इसे तट कहते हैं कोस्ट का हिंदी में शब्द तट होता है तो इतनी लंबी हमारी तट रेखा है कोस्टल लाइन अच्छा है भारत की इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण है भारत का ट्रेड एंड कॉमर्स इंटरनेशनली सी रूट्स के वाया कंडक्ट होता है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है धीरे धीरे हमारा एक्वा कल्चर भी बहुत तेज़ी से बढ़ता गया एक्वा कल्चर का मतलब ये है कि भाई जैसे आप एग्रीकल्चर करते हैं वैसे एक्वा कल्चर भी होता है, है तो ये सब कुछ कल्चर ही अब आप एग्री का मतलब ये है कि भाई कोई एक नस्ल की फसल पकड़ करके उगा रहे हैं एक नस्ल की फसल एग्रीकल्चर खेतों में वही नस्ल भरी पड़ी है और दूसरी तरफ ये एक्वा कल्चर है तो फिर एक्वा मन पानी होता है और पानी का मतलब यहाँ पर यह है कि भाई समुंदर में आप किसी भी तरह की कोई खेती बाड़ी कर रहे हैं खेती बाड़ी कैसे कर रहे हैं प्रॉन्स हैं श्रिम्स हैं आप इनको पाल रहे हैं वहाँ पर मरीन कल्चर एक्वा कल्चर केव कल्चर गुफाएं बना बना करके कल्चर कर रहे हैं वहाँ पर। तो वो सारे जो हैं वो एक्वा कल्चर का हिस्सा है एक्वा कल्चर आज बड़ी तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है जहाँ ये एक तरफ कोस्टल एरिया में रह रहे लोगों को रोज़गार प्रदान कर रहा है इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज अर्न करके दे रहा है क्योंकि हम उस मटेरियल को एक्सपोर्ट करते हैं जहाँ ये एक तरफ जो रूरल इकोनमी है उसे बूस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है सोशली इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड सेक्शन को एक लाइवलीहुड प्रोवाइड कर रहा है कंट्री को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है स्किल डेवलपमेंट की ओर लेकर के जा रहा है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर रहा है नेशनल इनकम को इन्हांस करने की एक अच्छी कंट्रीब्यूशन दे रहा है वहीं दूसरी तरफ इसके बहुत सारे जलवायु पर असर भी हैं ये क्लाइमेट को भी कई तरह से इम्पेक्ट कर रहा है ये मरीन लाइफ को भी इम्पेक्ट कर रहा है इकोलॉजी को बायोडाइवर्सिटी को जिसे हम जैव विविधता कहते हैं इकोसिस्टम जिसे हम परिस्थिति की तंत्र कहते हैं इन सभी चीज़ों को भी ये एक स्तर पर प्रभावित कर रहा है मुख्यतः आज हम इसके नकारात्मक विषयों पर ज़्यादा ध्यान देंगे आज हम इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स पर ज़्यादा बात करेंगे इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट बनता है जेली फिशेज़ का वो तो कंसेप्ट बायोलॉजी का बन जाएगा और वो जब हम ओशनोग्राफी करते हैं तो उसमें आता है आज हम इसके नेगेटिव इम्पैक्ट को ज़्यादा समझेंगे जिसकी वजह से ये खबर बनी है उसी कॉन्टेक्स्ट में हम आज हाँ देखेंगे कि जेली फिश का ब्लूम हो जाना ब्लूम का मतलब सादी भाषा में अचानक से कोई चीज़ों का बड़े स्तर पर फूट जाना एकदम से आ जाना है ना एकदम से काफ़ी सारी दिखने लग जाना इसमें बार बार एक वर्ड सुनेगा बीच स्ट्रेंडिंग्स मतलब कि बीचस पे आकर के इनका तटों पर आकर के जमावड़ा और दूसरा स्वाम्स स्वाम्स मने के झुंड एस डब्ल्यू ए आर एम एस स्वाम्स को झुंड स्वाम्स कहते हैं आपने सुना होगा पीछे कुछ समय पहले टिड्डियों का दल आ गया था उसे लोकस्ट स्वाम कहा गया था ये ज़रूरी नहीं है कि हवाओं में ही ऐसे झुंड बनते हैं जल में भी बनते हैं देखिए झुंड तो कहीं भी बन जाता है ज़मीन पे बना लीजिए हवा पे बना लीजिए जल में बना लीजिए झुंड अपने अंदर बना लीजिए तो भी बन जाएगा इसी तरह से पानी में बनने वाला एक झुंड है स्वाम्स किन का जली फिश का इस पर चर्चा है क्योंकि किसान बड़ा परेशान है किसान परेशान है अच्छे अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स परेशान हैं कि जो हो रहा है क्यों हो रहा है सरकारें भी परेशान हैं क्योंकि टूरिस्ट वहाँ पर जाते नहीं बड़े बड़े पावर प्लांट परेशान हैं जैसे मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट सन 2000 में उसके कंडेंसर को ठंडा करने के लिए जो पानी जाता है अंदर जैसे हम कूलिंग सिस्टम प्रोसेस कहते हैं वो पानी की आवश्यकता बड़ी रहती है पानी अंदर जाना बंद हो गया क्योंकि जिस स्क्रीन से होकर के पानी को जाना था जेली फिश ने उस स्क्रीन का रास्ता ही बंद कर दिया पावर प्लांट ही ठंडा पड़ गया सरकारें परेशान हो गई जो टूरिस्ट नहीं जाएगा जब पावर प्लांट बंद होने लग जाएंगे जब नमकीन पानी को मीठा बना करके बेचने वाले प्लांट ठप पड़ने लग जाएंगे चिंता विषय तो बनेगा खबर तभी बनेगी ना जब इंसान तंग होगा पर्यावरण पर से परेशान हो तब तो खबर बनती भी नहीं इंसान परेशान हुआ तो लोगों का ध्यान गया और ध्यान इस पर थोड़े दिन पहले ही गया क्योंकि सन 2000 के मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट के बंद होने से पहले तो ध्यान भी नहीं था उस समय में ध्यान गया तो फिर साइंस रिसर्च डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा है नहीं क्योंकि इसके विषय में ज्ञान इतना नहीं है जानकारी इतनी नहीं साइंटिफिक डाटा इतना नहीं तो इसको कंटेन करने के फिर तरीके भी उतने नहीं और फिर ये कारण भी पता नहीं है कि ये एकदम से सर्ज क्यों कब और कैसे हो जाती हैं बस कुछ कुछ अंदाज़े हैं कि इन महीनों में होती हैं और इसे इस तरह की परेशानियाँ देती हैं किसानों के परेशान होने का मेन कारण है कि उनके शरीर पर खुजली होने लग जाती है जैसे इचिंग कहते हैं उसकी वजह से इसके कुछ लोकल नाम भी डाल दिए गए और दूसरा ये है कि जब मछली पकड़ने वाले जाले में ये फंस जाती हैं आकर के तो फिर जब वो जाला उछलाते हैं उसके पानी की बूंदें जहाँ जहाँ शरीर पर पड़ती हैं ज़्यादातर आँखों पर आँखें सूझ जाती हैं स्वेलिंग कहते हैं उसको तो ये स्वेलिंग एंड इचिंग करती हैं ये कहानी यहीं नहीं रुकती ये मेटाबॉलिक एनोमलीज़ भी क्रिएट करती हैं ये पेट से जुड़ी समस्याएं पैदा कर देती हैं और तो और ये सांस में भी परेशानी पैदा करती हैं तो ये ब्रीदिंग प्रोसेस को ऑब्स्ट्रक्ट करने का काम करती हैं एब्डोमिनल पेन को ये बढ़ा देती हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में हिंडर करती हैं स्किन पर इचिंग क्रिएट कर देती हैं वैसे तो ही बहुत सी चीज़ें करती हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा ही इंसान इस, इस वजह से भी परेशान है इंसान और कई कारणों से परेशान है इंसान कुल मिला करके परेशान है इंसान परेशान है तो मैंने इसको सोचा कि आपको पढ़ा ही दें क्योंकि इंसान बड़ा परेशान है क्वेश्चन कहाँ से आ गए इस बात से परेशान है किसान परेशान है कि जेली फिश कहाँ से आ गई पंजाब हरियाणा परेशान है कि कानून कहाँ से आ गए मुद्दा तो ये है कि हम सब परेशान हैं परेशानी को दूर करने के लिए चलो परेशानियों को पढ़ते हैं समझते हैं मेरा मानना है परेशानियों को अगर सामने से रूबरू कर लिया जाए तो परेशानियाँ कम हो जाती हैं आँखों में आँखें डाल के तो देखना ही पड़ेगा बात तभी बनेगी तो जेली फिश का ब्लूम है इंडियन कोस्टल लाइन पे मैंने केरल नहीं लिखा क्योंकि आपको खबर थोड़े वाइडर स्केल पे समझ आ जा जाए क्योंकि पूरे भारत भर में ही इसका प्रभाव है कहीं पर टूरिज़्म में है कहीं पर किसानों पे है कहीं पर पावर प्लांट पे है कहीं पर डिसलनाइजेशन प्लांट पे है असर पूरे भारत भर में है कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा मैं किसी पत्रकार की तरह खबर पढ़ रहा हूँ लगना भी नहीं चाहिए मेरा अपना ही अंदाज़ है yes कितने भी समय पुराने खबरें निकाल लें मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ चलिए समझते हैं जेलीफिस कैसे कहते हैं बचपन से ही बच्चियाँ और बच्चे जेलीफिस जेलीफिस बहुत करते थे मुझे इसके बारे में पता नहीं था खबर के साथ ही समझ में आया जेलीफिस वही है जिसके ऊपर छाता सा बना रहता है कोई भी ऐसा जल में रहने वाला जीव जो जिलेटिनस हो यानी कि जो एकदम से सिल्की सा हो एकदम से हाथ जैसे लगे फिसल जाए जलेटिन जैसा सब्सटेंस होता है जेलेटिन क्या होता है एक खास तरह का सब्सटेंस होता है जो जेलेटिनस हो और वो जल जीव हो मरीन हो और उस पर छाते जैसी आकृति बनी रहे अम्बरेला जैसी इन सभी को फिर जोड़ करके जेलीफिस ही कह देते हैं अब जेलीफिस का मतलब नवदीप ये मत सोच लेना कि बड़ी जैली जैसी है कि बड़ी छोटी हाथ में पकड़ी खा ली इतनी इतनी बड़ी होती है बेटे आ करके चिपक जाए तो छूटती भी नहीं है जल्दी कहीं गणपति के बाद गणपति विसर्जन करने घुसोगे ना पानी में डंक देती हैं अंदर घर आकर के तीन दिन के बाद जब कलेजा सूज जाता है ना तब डॉक्टर बताता है कहीं पानी में तो नहीं गए थे कहते हाँ गए थे गणपति विसर्जन करने कहते भाई डंक बच गया बेटा अब गणपति बचाएंगे देखो गणपति विसर्जित किए तो बचाएंगे भी गणपति है कि नहीं ये तो सत्य है भारत का तो जेलीफिश का मतलब यहाँ पर ये यह आ जाता है कि इट इज़ अ कलेक्टिव टर्म फॉर एनी यार वो मेरी स्टिक तो दो थोड़ी एक्टिंग तो करें पढ़ाई में जब तक एक्टिंग नहीं हो मज़ा नहीं आता टीचर वाली फीलिंग कहीं से आती ही नहीं मुझमें ना कपड़ों से ना बातों से लेक्चर में कंटेंट कम है बातें ज़्यादा है लोग कहेंगे टाइम पास कर रहे हैं पर हम जो कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं हमको टेंशन कोई नहीं डंडा नहीं मिल रहा बेटा कहाँ है यार चलो आओ जेलीफिश कलेक्टिव टर्म फॉर एनी अम्ब्रेला शेप्ड जेलेटिनस एनिमल इन मरीन वाटर्स अब कोई पूछे आपसे जेलीफिश क्या है बता सकते हो अम्ब्रेला शेप होती है ये शादी ऐसी होती थैंक यू सो मच यह आदमी बड़ा हीरो है वैसे जानकारी के लिए बता दें शाहरुख खान के फैन है कलेक्टिव टर्म फॉर एनी अम्ब्रेला शिफ्ट जेलेटिनस एनिमल इन मरीन वाटर मरीन वाटर में मरीन वाटर मतलब समुद्र से जुड़ा हुआ पानी समुद्र से जुड़े मसलों को मरीन कह देते हैं ठीक है नदी से जुड़े हुए मसलों को रिवरीन कह देते हैं इनको आदत बड़ी है एन ई लगाने की मरीन रिवरीन ऐसी करके ओके तो कलेक्टिव टर्म फॉर एनी अम्ब्रेला शेप जेलीटेनियस एनिमल इन मरीन वाटर उसको कह देते हैं जेलीफिश बस खत्म कहानी ज़्यादा टेंशन नहीं इसका अगर आपसे कोई तकनीकी नाम पूछ ले कि इसको तकनीकी तौर पर बताओ उसको किस किस नाम से जानते हैं तो ये तकनीकी नाम सुनो इसका क्रैम्बियला और से नहीं क्रैम्बियनला और से बस ये नाम इसका साइंटिफिक नाम है कई बार पूछ लेते हैं दूसरा एक्रोमेटस फ्लैगलेटस फ्लैगलेटा फ्लैगेला फ्लैगेला फ्ल लगे रहते हैं फ्रेगला जैसे चोटी होती है पीछे वैसे ही फ्लेगला भी रहते हैं ज़्यादा टेंशन नहीं बस ऐसे ऐसे हिलती रहते हैं वाली चीज़ है तो क्रेम्बियला और सीनी एक फ्लेगेटस तो इस तरह के इनके अंग्रेजी जो साइंटिफिक नाम है और ये है जली फिश जिसको हम देसी भाषा में बुलाते हैं इसकी खासियत क्या है खासियत ये है कि ये पृथ्वी पर पाए जाने वाला ओल्डेस्ट मल्टी ऑर्गन एनिमल है भाई ये है इसकी खासियत आपको पता है जब पृथ्वी पर जीव बने थे तो ऐसा नहीं था जैसे आज आप लोगों में कितने ऑर्गन हैं आज आप लोगों में सांस लेने के लिए फेफड़ा है मतलब लिए। मतलब आज आप लोगों में खाना पचाने के लिए कई सारे काम करने के लिए गुर्दा है और जिगर है लिवर आज आप लोगों में आपके रक्त को साफ़ करने के लिए गुर्दा है खाने के लिए नहीं रक्त साफ करने के लिए जिगर का मतलब लिवर होता है गुर्दे का मतलब बेटा किडनी होता है आज आप लोगों में आपकी इम्यूनिटी को स्टोर करने के लिए बढ़ाने के लिए तिल्ली है मतलब स्प्लीन है यहाँ पर स्प्लिन होती है यहाँ पर कहीं गुर्दे होते हैं यहाँ पर लिवर होता है और उसी के बगल में क्या होता है जो सबका तकरीबन निकल ही जाता है 40-50 की उम्र में गोल ब्लैडर पित्ता जिसमें पित्त होता है बाइल जूस बाइल जूस से नाम आता है पित्त पित्त से नाम आता है पित्ता और पित्ता निकल जाता है अगर गंदा मंद खाओगे तो गोल ब्लैडर ओके तो अच्छा खाया करो ताकि वो आपके शरीर में ही रहे तो गोल ब्लैडर ये सब कहाँ से आया ये समय दर समय आया पहले तो जिंदगी बस ऐसी थी सिंगल सेल एकदम सिंगल सिंगल सेल जैसी जिंदगी चलती थी फिर सिंगल सेल से बढ़ करके के मल्टीपल सेल हो गए फिर सेल सेल बन करके टिश्यू हो गए टिश्यू से ऑर्गन्स हो गए और कई ऑर्गन हो गए तो समय लग गया बहुत सक्सेसिव स्टेजेस लगी धीरे 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 अपने सराउंडिंग अपने पर्यावरण के साथ अडेप्ट होते 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 हम मल्टी ऑर्गन बने तो मल्टी ऑर्गन ऑर्गेनिजम्स जो आज पृथ्वी पर पा पाए जा रहे हैं उनमें से सबसे यदि को ओल्डेस्ट में पाए जा रहे हैं ये जेली फिश तो एक तो आंसर ही सॉल्व हो गया कि जेली फिश मल्टी ऑर्गन है कि नहीं क्लियर बात है यार मल्टी ऑर्गन है सबसे पुरानों में पाई जाती है ओके मतलब ये बिल्कुल वैसे ही है कि जब मान लो शुरुआती दौर में जब मल्टी ऑर्गन ऑर्गेनिज्म बने थे आपने आँखों से देखा ओ ये 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 बन गए मल्टी ऑर्गेनिज्म तो ये तब भी थी और सपोज़ करो आपको कोई अमृतव मिला है तो आप अभी भी जीवित हो तो आज भी आप इसको जब मिलते हो तो दोनों हाथ मिलाते हो और बात करते हो अच्छा तो तब से बनी हुई और आज दिन तक पड़ी हुई है तो ये अभी तक है अब कोई ये गलती मत कर लेना कि वही मछली आज दिन तक है वो मछली आज दिन तक नहीं है जैसे आपके दादे परदादे आज नहीं है लेकिन आप तो हैं वैसे ही इसके भी दादे परदादे रहते होंगे आज ये भी है ओके पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता काम चलता जाता है ना तुम लोग तो ये सोचते हो वही मछली चलती आ रही है मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है तो जेलीफिस मैंने कलेक्टिव टर्म फॉर एनी अम्ब्रेला जेलेटिनस एनिमल इन मरीन वाटर और दूसरा ये ओल्डेस्ट मल्टी ऑर्गन एनिमल फाउंड ऑन अर्थ है भाई पृथ्वी पर पाई जाने वाली पृथ्वी मैंने जल पर पाई जाने पृथ्वी का मतलब सिर्फ लैंड मत समझ लिया करो पृथ्वी में समझ आता है पृथ्वी में पृथ्वी में एटमोसफेर भी आ जाता है ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है जब भी हम पृथ्वी की बात करते हैं जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं केवल मिट्टी परिवर्तन की बात नहीं करते हैं जल भी है वायु भी है मिट्टी भी है तो अर्थ के अंदर अर्थ वाटर भी आ रहा है लैंड भी आ जा रहा है और एटमोस्फेयर भी आ जा रहा है ओके एयर वाटर एंड लैंड ओके ये तीनों जहां मिल जाते हैं और जहां पर जीवन की संभावना है तीनों का मिलन जहाँ है और जहां पर जीवन है बायोस्फेयर हो जाता है तो कई स्पेयर हैं ओके उन स्पेयर में से एक स्पेयर ये भी है जो मैंने अभी बताया एनुअल फिनोमेना ये सब क्या क्या जो भी लिखा हुआ है अभी ये नाम पूछा जा सकता है अभी जब भी हुआ तो केरल में तो आपको पता है जब इस तरह से भारत बनता है चलो भारत बनाते हैं देखिए जब इस तरह से भारत बनता है तो ये जो इलाका है केरल का ये जो तटीय इलाका है इसे मालाबार कह देते हैं मालाबार का तट मालाबार कोस्ट और इस मालाबार कोस्ट के तकरीबन उत्तरी क्षेत्र में मालाबार कोस्ट के नॉर्थ में चलो यार थोड़ा नॉर्थ साउथ बिल्कुल भी तो नहीं पता ना हम लोगों को हम उस हिसाब से चलते हैं। ये ईस्ट होता है ये नॉर्थ होता है ये साउथ होता है ये वेस्ट होता है ठीक है जी ईस्ट वेस्ट साउथ और नॉर्थ तो ऐसे में अगर ये मालावार है ऊपर से नीचे तक तो ये साउथ हुआ ये नॉर्थ हुआ ना ऊपर का हिस्सा उत्तरी हुआ तो मालाबार के लगभग लगभग ये आधे से लेकर के ऊपर के इलाके में मालावार कोस्ट में ये काफ़ी हद तक पाई जाने लगी हैं इनका ब्लूम होने लगा है ऐसे में एक आइलैंड है कवाई आइलैंड ये क्यों बताया मैंने अब पेपर में पूछ लें क़वाई आइलैंड कहाँ है आप लोग कहोगे सर आइलैंड तो बहुत बड़े दुनिया जहान के ये कवाई नहीं पढ़ा था खबरों में था ना यार तुम लोग खबर पढ़ लेते हो खबरों में आइलैंड नहीं पढ़ते हो फिर कहते हो सर क्वेश्चन पता नहीं खबर से नहीं आया <laughs> खबर चाहे जेलीफिश पे पढ़ रहे हो बेटा लेकिन यूपीएससी पढ़ने का तरीका ये है कि वो जेलीफिश से जुड़ा वो आइलैंड भी पढ़ना है ना अब उसके लिए यूपीएससी अब उसके लिए अखबार कोई एक अलग से खबर तो ना बनाएगा कि चलो एक आइलैंड पे खबर बनाते हैं कवाई आइलैंड पे वो घटनाक्रम कहाँ हुआ आज आपसे पूछते हैं कि इनसाइट कैसे अखबार पढ़ने का तरीका अब आपसे आप पूछेंगे आप, आप बताएंगे बड़ा तगड़ा एक्सीडेंट हुआ अगली लाइन उसकी होगी कहाँ हुआ तो आप कहेंगे वर्कशॉप चौक पे हुआ अब वर्कशॉप चौक ही नहीं पता तो क्या पता तो जेलीफिश फूट चुकी हैं तो वो पूछे कहाँ केरल में कहाँ कवाई आइलैंड में तो पता होना चाहिए ना यार कवाई आइलैंड कहाँ फॉल करेगा भैया केरल में और केरल का मालाबार कोस्ट अब पूछे आपके कवाई आइलैंड केरल में कहाँ तो भाई अरेबियन सी में अब मैच द कॉलम आ जाओ और लगा करके बैठे हो बयो बंगाल साउथ चाइना सी <laughs> हैं कई ऐसे भी लिख के आए कवाही आईलैंड तो कवाही कवाही थोड़ा चाइना है वो एंड में हर चीज़ में आई आई करते हैं चलो ये तो साउथ चाइना सी है ऐसी गुनाह करोगे तो देखो फिर क्या ही होगा तो कवाई आइलैंड जो कि छोर किलोमीटर फ्रॉम पयनूर है ये नाम उतना याद ना ना भी रहे कवाई याद रहे जाओ और पयनूर माने जो कन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है क्योंकि ये आइलैंड है तो समुंदर में है तो ये जमीन से जुड़े किसी इलाके से तो थोड़ा दूर ही होगा जमीन का सबसे निकटतम इलाका इसको कौन सा लगता है पैयनूर और यह पैयनूर कहाँ पर है ये कन्नूर में है ना जैसे जलंधर में जलंधर में ये कहाँ है मोहता सिंह नगर लेकिन ये मोहता सिंह नगर ये गुरजेपाल नगर कहाँ है जलंधर में ना बेटा ओके बस इस तरह ही कहानी तो कन्नूर डिस्ट्रिक्ट कहाँ है भाई केरल में है ना केरल कहाँ है भारत में है ना कौन सा तट लगता है मालावार वाला ना समुंदर कौन सा सागर कौन सा इंडियन ओशन महासागर ओके और उसमें समुंदर कौन सा बेटा छोटा वाला अरेबियन सी यहाँ पर अरेबियन सी है ये ऐसे ऐसे करके ठीक है ओके तो ये सारी कहानी थी ये सारे नाम छोटे छोटे याद रखना है. अब आप कहेंगे सर भारत में ये जेलीफिश जो है इनका क्या है क्या मतलब कहाँ से क्या है भारत में लगभग इनकी पचास प्रजातियाँ पाई जाती हैं स्पीसीस का मतलब होता है प्रजातियाँ ओके okay? तो, तो कई आप लोग जब चिंतपूर्णी जाते हैं दूरदर्शकों के लिए बता दूँ चिंतपूर्णी एक बहुत महान स्थल है यहाँ पर हिंदू धर्म से आस्था है उसकी तो जब आप चिंतपूर्णी जाते हैं जब आप और ऊपर चले जाना कुल्लू मनाली जाते हैं जब आप दक्षिण जाते हैं दिखते तो हर जगह पर बंदर ही हैं लेकिन कितनी अलग अलग तरह के दिखते हैं किसी का मुँह काला पूछ लंबी है और बॉडी पूरी की पूरी ब्राउन है और किसी का पूरा शरीर एक जैसा है लेकिन बैक एकदम रेड है कितने प्रकार के बंदर हैं तो सारे बंदर ही ना कोई लंगूर है कोई चिंपांजी है कोई पता नहीं मऊ है कोई कुछ है कोई कुछ अब जो भी है सो है अब है तो जानवर ही बंदर की कितनी प्रजातियाँ इसको स्पीसीस कहते हैं yes, सही बात है तो देट इज़ अ इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है तो इसी तरह से वो कह रहे हैं कि जब की लगभग पचास तरह की प्रजातियाँ हैं कहाँ पर भारत में उसमें से 50 तरह की उसमें से 20 तरह की प्रजातियां तो के केरल केरल में ही पाई जाती हैं इससे फिर तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर जाओगे एग्जाम में कि जेलीफिश का ज़्यादा ब्लूम इंडिया के वेस्ट कोस्ट में होता है कि इंडिया में तो आप लोग तो केरल केरल ही दिमाग में रहेगा ऐसी गलतियाँ कर करके कर आते हो ईस्ट कोस्ट में है ना यार मैंने कब कहा कि वेस्ट कोस्ट में है केरल में घटनाक्रम बहुत बढ़ने लगे हैं ऐसा मैंने कहा लेकिन ज़्यादा ब्लूम किधर होता है ईस्ट कोस्ट में एज कंपेयर टू वेस्ट कोस्ट हाँ एपिसोड ज़्यादा बढ़ने जो लगे हैं एकदम से वो केरल में बढ़ रहे हैं केरल में घटनाक्रम बढ़ने लगा है लेकिन बड़े बड़े पैमाने पर जहाँ होता है वो तो ईस्ट कोस्ट है ना ये ध्यान में रहेगा कारण भी बता देंगे चलो पंखा छोड़ो यार कन्या गर्मी लग रही है तो बी पचास प्रजातियाँ पाई जाती हैं उनमें से बीस कहाँ पाई जाती हैं जैसमिन कला क्या, क्या बात है हम तो केरल ही बोल रहे थे चलिए अब इनमें से भी कुछ कहानियाँ हैं नब्बे परसेंट फिश का शरीर पता क्या होता है पानी पानी में रहकर पूरा पानी पानी रहती है और जब आप हाथ लगाते हो तो आपको पानी पानी कर देती है इतना ही घात है ऐसी खुजली मछती शरीर में जो मछुआरा है अपना जाल छोड़ के भागा आता है घर की ओर तीन दिन तक सूजा रहता है तो नाइन्टी परसेंट इसमें क्या होता है वाटर। चलो वाटर ही सही हमारी तरफ़ से पानी अब कुछ इनमें से जहरीली होती हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी की सारी घातक होती हैं तो मैंने लिख दिया ना सम आर नॉन फैटल फैटल मैंने घातक कुछ गैर घातक भी होती हैं क्या करती हैं हल्की सी निकल खुजली मचाएंगी बस ज़्यादा तंग नहीं करेंगी मतलब पेट खराब सांस का रुकना उल्टियाँ आ जाना ऐसा कुछ नहीं होगा बस थोड़ा सा खुजलाओगे और मस्त हो जाओगे वो कौन सी हैं नॉन फैटल और जो विनोमस हैं जहरीली हैं जैसे कि सिंजर जेलीफिश ये तबीयत को जरा सेट कर देंगी <laughs> ओके तो सम आर विनोमस वेल सम आर नॉन फेटल ऐसा भी ऑप्शन आता है कि ऑल आर विनोमस ऑल आर फेटल नहीं सम आर नॉन फेटल सम आर विनोमस छोटी छोटी बातों पे क्वेश्चन बनते हैं अब कुछ तथ्य इनके बारे में सुने इसका शॉर्ट फॉर्म आपको याद रखना है शॉर्ट फॉर्म से फुल फॉर्म का क्वेश्चन आएगा दैट इज द सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट सी एम एफ आर आई सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट इस तरह के क्वेश्चन uh, पूछ लिए जाते हैं अब वो ये कह रहे हैं कि इसके द्वारा ये आंकड़ा दिया गया है कि मेजोरली जो जेली फिश है ये किसका शिकार करती है किस पे जीवित रहती है जो सरदाइन नाम की मछली है उसके लार्वा पे लार्वा क्या होता है अंडा क्या होता है ये सब मैं बता दूंगा चिंता मत करो आई विल गिव यू ऑल द एक्सप्लेशन्स बट इतना समझ लीजिए कि जब मछली संतान उत्पन्न करती है तो पहले एग एग होता है ठीक है एग से फिर लार्वा लार्वा बनता है और लार्वा से फिर अगली स्टेजेस की ओर बढ़ते हैं जब इन जीव के रूप में उसकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है ओके okay? तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो ये जेलीफिश जो है इस मछली का लार्वा ही खा जाती है अब जब लार्वा ही खा गई तो परिवार कहाँ से बनेगा इस मछली का और जब इस मछली का परिवार ही नहीं बनेगा तो डॉल्फिन इन मछलियों को खा खा के ज़िंदा कैसे रहेगी और जब डॉल्फिन ज़िंदा ही नहीं रहेगी तो डॉल्फिन जेलीफिश को कैसे खाएगी और जब जेलीफिश को खाने वाला शिकारी मर गया तो जेलीफिश का ब्लूम तो होगा ही होगा जेलीफिश को होने से कौन सा भगवान रोकेगा क्योंकि भगवान ने उसे खाने के लिए जो शिकारी पैदा किया था उसकी तुमने झज्जियाँ उड़ा दी वैसे सीधे भी डॉल्फिन उड़ा दी डॉल्फिन का भोजन भी उड़वा दिया तुमने सी टर्टल्स की तस्करी कर कर के कर कर के कर कर के समुद्री में जो होते हैं ना बेटे कछुए सी टर्टल्स टर्टल्स तो उनकी तुमने तस्करी कर करके उनकी स्मगलिंग कर करके उनकी संख्या ऐसी उड़ाई है समुद्र से कि उनके परिवारजन भी उन्हें ढूंढते फिर रहे हैं इस सागर से उस महासागर वो मिल नहीं रहे और उनका मेन भोजन ये हुआ करता है दोपहर लंच में इनको खाया करते थे अब जब वो ही मार दिए तुमने तो इन्हें खाने वाला कोई नहीं बचा तो ये अब खुलेआम बदमाशी कर रही झुंड में आ रही और फिर किसान कह रहे ये कहाँ से आ रही इतना सर्ज क्यों हो रहा है तो फिर ये खुद कह रही है कि थैंक्स यू सो मच तुमने हमारे सारे शिकारी खा लिए और आज हम खुलेआम घूम रही हैं क्योंकि हमें खाने वाला कोई नहीं है अब हम तुम्हें खाएंगे देखो नील गाय को शेर खाता है शेर को तुम मारोगे तो नील गाय तुम्हारे खेतों को उजाड़ेगी और फिर तुम ड्यूटी लगा के गोलियों से उन्हें मारोगे ये तो फूड चेन है भाई इसको तो मेंटेन करना ही पड़ेगा तो जेलीफिश स्प्रे ऑन सरदाइन रिवर सरदाइन लारवा बाकी अलग बातें चलिए अब ये कहा जाता है कि इनकी ग्रोथ में एक कारण यह भी है कि कोस्टल एक्वाकल्चर जो है वो एक कारण उसका एक आंकड़ा समझना ज़रूरी है कोस्टल एक्वाकल्चर इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया यानी कि 1.53 लाख हेक्टेयर एरिया में आज की डेट में कोस्टल एक्वा कल्चर हो रहा है भाई नौ राज्यों के एक लाख हेक्टेयर में कोस्टल एक्वाकल्चर हो रहा है जिससे एनुअल प्रोडक्शन जो निकल रहा है वो 6.8 लाख मैट्रिक टन निकल रहा है इसके दो कंसेप्ट समझ में आए पहला तो कोस्टल एक्वाकल्चर अब इकोनॉमी का बहुत तेजी से हिस्सा बनता जा रहा है दूसरा है ये रोजगार का बड़ा जरिया बनता जा रहा है तीसरा ट्रेड एंड कॉमर्स का पार्ट बनता जा रहा है चौथा विदेशी मुद्रा की आमदनी का जरिया बन रहा है और फूड सिक्योरिटी का आधार बन रहा है भाई लेकिन ये एक कारण भी बन रहा है जेलीफिश की ग्रोथ का क्योंकि ये बड़ी तेजी से बढ़ रहा है इसलिए एपिसोड भी हमारे भारत में बड़ी तेजी से अब बढ़ रहे हैं देखियो ब्लैक सी हो गया इटली हो गया चाइना हो गया ये तो बड़े समय से परेशान चल रहे थे भारत में ये मुद्दे अब गर्मा रहे हैं अब समझ में आ रहे हैं धीरे धीरे करके चीजें बढ़ रही है समय कौन सा रहता है इनका इंडिया के पश्चिमी कोस्ट पे यानी कि इंडिया के इस वेस्ट कोस्ट के रीजन में ये मेजोरिटी ऑफ द ब्लूम जो है ये साउथ वेस्ट मानसून के एंड होने के समय में होता है चलिए साउथ वेस्ट मानसून भी समझा देते हैं आपने कभी सुना बरसातों का मौसम आ गया महक बरसातों में मालपुए खाती हो बरसातों में सुना है कि पंजाब में और बाकी क्षेत्रों में तीयों का त्यौहार मनाया जाता है सावन के महीनों में तो बेटा वो जो तियों का त्यौहार जब आप लोग मना रहे होते हैं ना वो चार महीने का मानसून होता है हमारे देश में चार महीने वर्षा का समय होता है जब धान की खेती की जाती है जिसे पंजाब में चोना कहते हैं चावल और जिसे यूपी बिहार से आए हुए प्रवासी भारतीय है, कहते हैं चूना है ओके तो धान है अब उसको समझिए तो वो कैसे होता है कि वो जो हवाएं हैं भारत में आती हैं वर्षा लेकर के चार महीने के लिए वो समुंदर से बादल लेकर के आती हैं किधर किधर से आती हैं अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है ये ईस्ट और ये वेस्ट है तो ये क्या हुआ फिर ये क्या हुआ फिर ये क्या हुआ फिर ये क्या हुआ तो ये नॉर्थ ईस्ट हुआ ये नॉर्थ वेस्ट हुआ ये साउथ ईस्ट हुआ और ये साउथ वेस्ट हुआ और ये साउथ वेस्ट के क्षेत्र से इस तरह से ये हवाएं आ रही हैं और भारत में बरसा ला रही है बरखा इसे कहते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून। चार महीने का इसका समय रहता है जून जुलाई अगस्त सितंबर फिर ये वापस जाने लगता है सितंबर के महीने में आपने देखा पंजाब में बरसातें एकदम बंद हो जाती हैं अक्टूबर के महीने में तो थोड़ी थोड़ी ठंड भी लगने लग जाती है जब दिवाली का समय आता है नवंबर दिसंबर में फिर से थोड़ी थोड़ी बरसातें दिखने लग जाती हैं बरसातें कहीं और से आती हैं वो इस दिशा से आती हैं ऐसे वो आती हैं यूरोप से मेडिटेरियन मेडिटेरियन सी से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ओके पक्षोभ वो यहाँ से आती है ये साउथ वेस्ट मानसून के समय का जब अंत आता है यानी कि सितंबर ऑनवर्ड्स सितंबर आने आने तक इनका ब्लूम जो है वो शुरू हो जाता है और पोस्ट मानसून पीरियड तक चलता है कई बारी नवंबर दिसंबर तक ऐसा कहा गया है खासतौर पर ये जो क्रेम्बियोनेला और सीनी है ये स्टार्ट करती है टुअर्ड द एंड ऑफ मानसून और ये लास्ट करती है टिल टिल द पोस्ट मानसून पोस्ट मानसून वही मतलब नवंबर दिसंबर तक ये सितंबर के राउंड शुरू हो जाती है और नवंबर दिसंबर तक चलती है ये कौन सी वाली है क्रेम्बोनेला और सीनी ये वाली चलती है इस समय तक लेकिन ये जो दूसरी वाली है एक्रोमीटर्स तो फ्लैगेलेटस ये जो है ये अलग है ये नवंबर से मई में चलती है नवंबर से मई में चलती है इसकी खासियत है नवंबर टू मई के दौरान ब्लूम करती है और ये बैक वाटर्स में ब्लूम करती है अच्छा जब केरल की ओर जाओगे ना तो केरल में पता क्या होता है जैसे कि ये मान लीजिए ये ऐसे है ऐसे जो मेन लैंड एरिया है ना उसमें से कुछ ऐसा क्षेत्र निकला हुआ है बाहर की ओर ऐसे निकले रहते हैं समुंदर का पानी उनमें ट्रैप हो जाता है समुद्री पानी उनमें जाकर के उन इलाकों में घुस जाता है पानी खड़ा खड़ा सा रहता है उसमें वो लकड़ी की किश्तियां चलती हैं और हिंदी फिल्म के हीरो हीरोइन बैठे रहते हैं एकदम टिके हुए पानी में वो क्योंकि समुद्र का पानी पीछे कहीं फंस गया है पिछला पानी तो बैक वाटर कहते हैं उसको ओके इसे क्या कहते हैं केरल इज वेरी फेमस फॉर द बैक वाटर आपको पता है केरल में एक बड़ी मशहूर झील है वेम झील वेमबनंद लेक वो एक बैक वाटर लेक है उसके मुंह के ऊपर यानी कि उसके टिप के ऊपर कोची है कोची और वहीं पर एयरपोर्ट भी है ओके okay? तो वेम्बनंद लेक इज़ अ वेरी फेमस लेक इन केरला इट इज़ अ बैकवाटर लेक लगून लेक ओके ये बात ध्यान में रखें। तो केरल में ऐसे बड़े सारे बैकवाटर हैं और जब आप टूरिस्ट टूर पैकेज निकालोगे ना नेट पे तो टूर पैकेज में सबसे ऊपर ही लिखा होगा इंजॉय द मेसमराइजिंग ब्रैक वाटर्स ऑफ द केरला ओके और उसका खर्चा अलग से डाला होगा आपके ऊपर कि दो दिन बैक वाटर में रखेंगे आपको <laughs> उन्हीं बैक वाटरों में ये पैदा हो जाती हैं कौन वाली एक्रोटस व्लैगलेटस नवंबर से मई में ओके ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है चलिए इसको छोड़ देते हैं आगे बढ़ते हैं दिल में ज़रूर ख्याल आ रहा हो कारण क्या है यार ये कहाँ कहाँ से हो रही हैं इसका रीज़न क्या है तो दो तरह के कारण एक तो प्राकृतिक कारण है देखो कोई भी चीज़ होती है उसका एक प्राकृतिक कारण तो होता है जैसे मान लीजिए कि उत्तराखंड में अचानक से ही ग्लेशियर कट गया इसे कहते हैं ग्लेशियर बास्ट हम सर्दियों के मौसम में तो उसे और कंसंट्रेट होना चाहिए था तो वो कट किधर से गया बेचारा वो कट गया ये तो हुआ तो प्राकृतिक ही कटा है किसी ने जा कर के फावड़ा लेके तो काटा नहीं हुआ कि चल कट चल कट ऐसे तो नहीं जैसे जलेबियाँ काटता है ना जलेबियाँ काटने वाला ऐसे तो नहीं कटा होगा अब अगर कटा है तो किसी प्राकृतिक कारण से लेकिन उस प्राकृतिक कारण से वो कटने वाली रफ्तार को बढ़ाया किसने आपने आपने माहौल ऐसा बना दिया आपने गर्मी ऐसे पैदा कर दी है पर्यावरण में आपने वार्मिंग ऐसी कर दी है कि वो जो ग्लेशियर है ना उनके बिल्कुल नीचे कहीं पर एक वाम वाम सा वाटर है वो वाम वाम सा वाटर जब आप अपने ऊपर वाले ग्लेशियर के बॉटम ग्लेशियर की ये मोटाई है तो ग्लेशियर का ये बॉटम हुआ इसके नीचे कहीं पर वार्म वाटर है तो ये वार्म वाटर जब ग्लेशियर के बॉटम से कनेक्ट होता है ग्लेशियर के बॉटम को भी थोड़ा थोड़ा पिघलाता है और जब ये थोड़ा थोड़ा पिघलाता है तो ग्लेशियर एकदम मूड में आ जाता है फिर वो स्लाइड करना चाहता है जब वो इतना पिघला देता है तो ग्लेशियर फिर अपने पिछले हिस्से से स्लाइड कर जाता है कट जाता है इसी वो कहते हैं कि कट गया ओके और जहाँ से कट जाता है वहाँ पे एक बेहद ख़ूबसूरत झील बना देता है क्योंकि जहाँ पर ग्लेशियर खत्म जहाँ डाइनिंग टेबल पर बर्फ़ रखी होगी पिघल के वहाँ क्या बनेगी बेटा झील घर जाकर के डाइनिंग टेबल पर बर्फ के दो क्यूब निकाल के रख देना पाँच मिनट बाद देख लेना कि झील बनी होगी और दुनिया में बड़ी तेजी से झीलें बन रही हैं खुश मत होना इन बातों से दुनिया तेजी से तबाही की ओर बढ़ रही है तेजी से बनती हुई झीलें इस बात का प्रमाण है कि तेजी से ग्लेशियर खत्म हो रहे हैं इसलिए फ्रेश वाटर लेक्स बन रही है आई बात समझ में और उन्हीं से तेजी से जल नदियों में बढ़ रहा है इसी से तेजी से फ्लैश फ्लड आ रहे हैं और यह जल आपके लिए घातक है क्योंकि थोड़ा थोड़ा पिघल करके जब वो ग्लेशियर पानी देता होगा बूंद बूंद तो वो निरंतर प्रभाव बनाता है एक बार में कट के जब वो जैसे ग्लास में ऊपर से दो क्यूब बर्फ के डालो तो कितना पानी उछल के बाहर आ जाता है वो तो अनुपयोगी होता है इसी तरह से ग्लेशियर जब नदी में कट के पिघल जाता है पानी सारा समुन्द्र में चला जाता है उपयोग भी नहीं कर पाते आप और जो सदाबहार स्रोत था जल का वो तबाह हो गया हिमालय बर्फ विहीन हो जाएगा नदियाँ सूख जाएंगी संस्कृति लुप्त हो जाएगी और हम हड़प्पा की तरह अवशेषों में पाए जाएंगे कोशिश करें कि ऐसे दिनों को आने में थोड़ा डिले करें ये दिन आएंगे ये शाश्वत सत्य है आप देर कर सकते हैं वो अलग बात है रोक नहीं सकते हो तो नेचुरल फैक्टर कौन कौन से प्राकृतिक कारण तो हमेशा ही होते हैं इसका भी ये विंड चेंजिंग टाइडल मूवमेंट सरफेस करेंट्स वाटर टेम्परेचर सेलिनिटी और डिजॉल्व ऑक्सीजन चलो अभी डिटेल में समझाएंगे। इसके मैन मेड कारण यानी कि एंथ्रोपोजेनिक कारण भी हैं तो होंगे ही होंगे इंसान पीछे कहाँ रहता है एंथ्रोपोजेनिक कारण मैन मेड कारण क्या है सबसे पहला कौन सा क्या लिखा हुआ था यहाँ पर वाटर क्वालिटी डिटेरेशन यूट्रोफिकेशन ओवरफिशिंग ट्रांसलोकेशन हैबिटेड मॉडिफिकेशन ये सब इसके कारण हैं और इनके कारणों के माध्यम से नए तथ्यों को समझते हुए और आगे बढ़ते हैं रुको। देखिए इसके इम्पैक्ट को समझेंगे फिर हमें इसके बाकी प्रोसेसेस भी समझ आ जाएंगे। इम्पैक्ट क्या है वाटर क्वालिटी को डिटेरिट ये कर देता है वाटर क्वालिटी डिटेरेशन की वजह से ये होता भी है। हमने एंथ्रोपोजेनिक रीज़न में एक रीज़न पढ़ा था ना फूड चेन को अल्टर करने की क्षमता ये रखता है हिंड्रेंसेज इन सी वाटर अपटेक बाय द पावर प्लांट एंड द डिसलनाइजेशन प्लांट्स क्लॉगिंग ऑफ द नेट्स जो फिश को कैच करने के लिए नेट्स होते हैं उनको क्लॉग कर देता है टूरिज्म का डिक्लाइन हो जाता है ये सारे प्रोसेस किस वजह से होते हैं उसको हम समझते हैं आपको जब मैंने अभी फैक्टर बताए थे तो नेचुरल फैक्टर थे नेचुरल फैक्टर में पहला फैक्टर कौन सा था विंड दूसरा फैक्टर बिना देखे बताएं कौन सा था सेकंड फैक्टर टाइडल चेंजेस देखिए जेलीफिश के बारे में दो तीन चीज़ें और समझें सबसे पहला एस्पेक्ट, आप जब भी ओशियंस के बारे में पढ़ेंगे तो आप प्लैंकटंस के बारे में पढ़ेंगे प्लैंगटन्स में भी दो कैटेगरी होती हैं ज़ू प्लैक्टन्स एंड फाइटो प्लैंगटन फाइटो प्लैंगटन्स का मतलब कि पौधे ज़ू प्लैंक्टन का मतलब कि जीव सीधी सी बात है और प्लैंक्टन वर्ड का मतलब होता है प्लैंकटिक प्लैक्टन वर्ड का मतलब होता है प्लैंकटिक आप लोग प्लैंक्स करते हैं ना ऐसे करके ज़मीन पर उसका मतलब क्या रहता है कि आपने अपना शरीर पूरा का पूरा टिकाया हुआ है सारा बॉडी प्रेशर किसी दो या तीन पॉइंट्स पे डाला हुआ है इसलिए उसका नाम क्या है प्लैंक्स इसी तरह से वो ऑर्गेनिज्म जो प्लैंक्टिक होते हैं उनका अर्थ क्या होता है वो वाटर कॉलम के साथ ही टिके रहते हैं वाटर कॉलम में सस्पेंडेड से रहते हैं पानी के बहाव के विरुद्ध जाने की इनमें ताकत नहीं होती ये वाटर करेंट्स के फ्लो के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं वाटर के फ्लो के साथ ही फ्लो करते हैं दे आर ऑलवेज प्लैंगटिक्स है ना कुछ चीज़ें देखी होंगी ना आपके पानी ऐसे ऐसे हो रहा है वो चीज़ें वहीं ही ली जा रही हैं सस्पेंडेड सी तो प्लैंकटिक्स प्लैंगटन्स लेकिन इसमें दो तरह के एक फाइटो प्लैंगटन्स छोटे छोटे पौधे बूटियाँ एक जू प्लैंकटन छोटी छोटी मछलियाँ जू बने जीव जंतु फाइटो बने पेड़ पौधे फाइटो मने फ्लोरा फ्लोरा जू मने फौना। फ्लोना फोना फ्लोना फलाना फोना एंड फ्लोरा दो चीज़ें होती हैं फोना फ्लोरा फोना मने जीव जंतु शेर चीते जानवर कीटी चीटी कीड़े मकोड़े और फ्लोरा मने झाड़ पेड़ पौधे फूल सुगंध सब कुछ ओके तो फ्लोरा फोना ऐसे ऐसे पढ़ते हैं हिमाचल का फोना एंड फ्लोरा ओके okay? जब भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन निकालते हो उसमें अच्छा सा एक कॉलम लिखा होता है कि रिच फ्लोरा एंड फोना ऑफ द हिमाचल ऑफ़ द धर्मशाला एरिया ऐसा करके हम सोचते हम पूरा हिमाचल घूम लेते कहते हैं, फ्लोरा फोना नहीं देखा यार <laughs> शुरू शुरू में ऐसा होता था ओके okay? इसी तरह से जू प्लैंक्टन एंड फाइटो प्लैंगटन होते हैं ओके okay? ये बस ऐसे ऐसे ही करते रहते हैं ये बड़े ज़रूरी होते हैं मेघा पूछो ये क्या होते हैं ये चावल के उस दाने के समान है जिसे खा के छः छः फुट के लोग भंगड़े और गिद्दे डालते हैं छः फुट के शरीर को टिकने के लिए चावल का जैसे एक दाना ही पर्याप्त है ना और उस दाने जैसे कई दानों को मिला के थाली भर जाती ऐसे चोटे -चोटे है ऐसे छोटे छोटे फाइटो प्लैंगटन और जू प्लैंगटन को मछलियाँ खाती हैं एक बार में मुँह खोल के कितनी कितने अंदर डाल लेती हैं और उन मछलियों को खा करके फिर बड़े मछले आते हैं उन्हें खाते हैं इस तरह से पूरी ज़िंदगी चलती है समुंदर की थोड़ी देर के लिए जू प्लैंकटन और फाइटो प्लैंकटन अगर समुद्र से निकाल दो ना सभी जीव जंतु मूर्छित होकर गिर जाएंगे आई बात समझ में एक खुराक है खुराक समुद्री जीवों की खुराक जब सनलाइट रिसीव होती है ना समुंदर में तो यही पैदा होते हैं फाइटो प्लैंगटन से। फोटोसेंथिसिस करते हैं ये आई बात में और फिर उधर से ही जिंदगी आगे बढ़ जाती है जिंदगी आ जाती है समुंदर के अंदर ओके तो फिर जेलीफिश अपनी किस कैटेगरी में आती है प्लैंकटन कौन सा वाला मेरो प्लैंकटन और होलो प्लैंकटन कौन सा कौन सा मारो मेरो, मेरो और दूसरा होलो मेरो प्लैंकटन और होलो प्लैंकटन ये दो कैटेगरी से जाना जाता है मेरो प्लैंकटन कौन सा है ये दो तरह की जिंदगियां जीता है ये एक हिस्सा जिंदगी का पानी में लटक के बिताता है और एक हिस्सा जिंदगी का समुद्र के तल पर बैठ के भी बिताता है आई बात समझ में yes. समुद्र के तले पर रहने वाले जानवर कौन से होते हैं वही रीटा बेंथिक समुद्र के पता है आपको जोन होते हैं बेंथिक डिपॉजिट प्लेगिक डिपॉजिट इस तरह से कई डिपॉजिट हैं हमारे ओशनोग्राफी के लेक्चर में हमने अच्छे से कराए हैं ओके तो जो पानी में भी लटकते हैं और समुद्र की जमीन पे भी बिछते हैं ये कौन से हैं मेरो प्लैंकटन ओके इसलिए तो लिखा है ट्रांजिएंट प्लैक्टॉनिक फेज ट्रांजिएंट प्लैक्टॉनिक फेज एक हिस्सा जिंदगी का टिक के बिताते हैं और एक हिस्सा जिंदगी का लटक के वाटर कॉलम में थोड़े टिकते हैं थोड़े लटकते हैं लेकिन ये जो दूसरे वाले होलो वाले होलो प्लैंकटन इनकी किस्मत में तमर लटकना लिखा है ये वाटर कॉलम में खाली लटकते रहते हैं इन्हें कभी जमीन नसीब नहीं हुई आई बात समझ में ये कौन से हैं ओलो प्लैंकटन। तो कौन सी कैटेगरी में आती हैं जली फिश मेरो प्लैंकटन एंड ओलो प्लैंकटन? ओके क्वेश्चन आए तो आंसर कर देना चलिए भी जाएंगी अब लटकेंगी आगे समझते हैं <laughs> जब समुद्र में लोग घुस जाते हैं और बड़े तंग हो जाते हैं इस मछली से कहने को तो मछली ही है फिश है जली वाली तो कौन उन्हें काटता है स्टिंगिंग फ्रॉम द नीमेटोसिस्ट अच्छा नीमा, कहीं सुना था ये वर्ड ने 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 तोर्ण। ने तोर्ण। सुने थे ना भाई नीमाटोड कौन हुआ करते थे कौन थे राधिका इतनी टेक्निकल बातें करती जब डॉक्टर की तरह खुद को भी समझ नहीं आ रहा होता क्या कर रहे हैं उसको छोड़ दो बस ये डंक मारते बस बाकी टेंशन मत लो ओके उसमें जाएंगे डिटेल में तो फिर नीमा टोड में चले जाएंगे उसको छोड़ो ये लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है जेलीफिश ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन रेट्स वेरी एक्सटेंसिवली विद चेंजेस इन एनवायरमेंटल कंडीशन एनवायरमेंटल कंडीशन के परिवर्तन के साथ साथ इनकी ग्रोथ और इनकी रिप्रोडक्शन में बहुत भयंकर परिवर्तन आता है इसी की वजह से अब पूरे ग्लोब पर देखें एनवायरमेंटल कंडीशनस तो अलग अलग है पूरे साल भर में देखें तो एनवायरमेंटल कंडीशनस अलग अलग हैं तो ये ग्लोब के कुछ कुछ हिस्सों में होती हैं और पूरे साल भर में कुछ कुछ महीनों में होती हैं इनका कुछ कुछ हिस्सों में और साल के कुछ कुछ समय में होने का कारण आपको पता लग गया कि इनकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन किससे जुड़ी हुई है फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन से एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल कर दीजिए ये मज़ा दिखा देंगी पूरा ब्लूम कर जाएंगी अब वो समुन्द्र के किन हिस्सों में हो रहा है या साल के किन महीनों में हो रहा है वो डिपेंड करता है आई बात समझ में क्योंकि इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल होनी चाहिए तो मतलब ये शुरू हो के अंत होती होंगी पहली थोड़ी सी इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल हुई तो इनका एक पैच नजर आता होगा जब फुल टू एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल हो गई तो यह भयंकर ब्लूम कर जाती होंगी और जब वो इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल नहीं 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 रही थी कलेप्स भी कर जाती होंगी तो साइकिल है क्या yes, sir, पहले पैच फिर एग्रीगेट देन अल्टीमेटली कलेप्स ये भी तो क्वेश्चन ये है yes, ये भी तो क्वेश्चन है सब नश्वर है yes. कुछ भी रहेगा नहीं अस्तित्व में आएगा बढ़ेगा समाप्त हो जाएगा ओके okay? yes, तो ये इसके शुरुआती दौर में आपको इसकी पैची डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगी पैची पैची एक पैच इधर एक उधर इधर उधर पैचेस देन ये अल्टीमेट एग्रीगेट करेंगी तो इनका डेंस एग्रीगेशन होता है फिर उस हर पैच बढ़ने लगेगा और देन ये सबसिक्वेंट पॉपुलेशन कोलेप्स हो जाएगा कहाँ को कोलैप्स हो जाएगा कोलैप्स तो होना है पर्यावरण बदले तो एनवायरमेंटल कंडीशन बदलेंगी और दूसरी सबसे बड़ी बात भोजन कहाँ रह पाएगा इनके लिए एक हद से ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जाएगी तो भोजन कहाँ रह पाएगा कंपटीशन इन्हीं में बढ़ जाएगा आपस में एक दूसरे को तो खाएंगे नहीं कंपटीशन बढ़ जाएगा अब मनुष्य ये कहे कि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है हम अपने ही लोगों को काट काट के खाने लगेंगे इससे भोजन भी मिलता रहेगा जनसंख्या भी बढ़ेगी नहीं बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता तो भगवान ने ऐसा बनाया ही है सिस्टम ही बनाया ऐसा नहीं कर सकते तुम आई बात समझ में इसलिए जब इनकी जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी खाने के लिए कंपटीशन इतना हो जाएगा खुद ही मरने शुरू हो जाएंगे जनसंख्या के बढ़ने से एक दिन पतन तय है इसलिए पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए हमेशा इंसान सोचता रहता है ताकि इतनी फाइट ना हो जाए रिसोर्सेज के लिए कि हम सर्वाइव ना कर पाएँ तो इनका अस्तित्व में आना इनका बढ़ना और इनका समाप्त हो जाना इस तरह से इनकी प्रक्रिया चलती है आई बात समझ में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है अब आती है कहानी की किन को कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे प्रभावित करती हैं ये कैसे कैसे कंसनट्रेट करने लग जाती हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है चलिए सबसे पहला आस्पेक्ट हमने नेचुरल फैक्टर में देखा था विंड देखिए आपको इतना तो पता है कि जैसे मान लीजिए कि ये भारत ही है और इस भारत की अगर हम बात करें तो हवाएं चलती हैं हवाएं दो तरह से चलती हैं एक जो समुंदर से ज़मीन की ओर चल रही है तो इसे ऑनशोर कहते हैं और जो ज़मीन से समुंदर की ओर चल रही है इसे ऑफशोर कहते हैं अब ये तो कहानी तय है कि जो हवाएं ऑनशोर चल रही होंगी यानी कि विंड का पैटर्न अगर बदल जाए हवाएँ यदि समुंदर से किनारों की ओर बढ़ जाएँ तो फिर हवाएं अपने साथ जली फिशेज़ को बहा करके क्योंकि ये तो प्लेंगटिक ही है ना बेटा वाटर कॉलम में लटकी सी रहती है ना और जब हवा बहेगी तो साथ में अपने साथ वाटर का कॉलम भी तो बहा करके लेके जाएगी और जब वाटर का कॉलम बहा करके लेके जाएगी तो इन्हें समुद्र के किनारों में जा टिका देगी तो इसलिए कोस्टल एरिया में आकर के कंसंट्रेट कर जाती है ये तो खुद चिल्ला रही होती हैं कि हम मजबूर हैं हम यहाँ टिकना नहीं चाहती थी हवाएं हमें ले आईं और हमारी मजबूरी है कि हम प्लेंगटिक होती हैं हम हम पवन के और जलधारा के विरुद्ध नहीं जा सकती हैं हमें जलधारा के साथ आना ही था हमें ये ले आए हम इनके साथ आ गए ओके कंसेप्ट समझ में आया तो यही इनकी कहानी है तो विंड का डायरेक्शन बड़े लेवल पर ये चीज़ को निर्धारित करता है कि जेली फिश का एग्रेगेशन होगा या नहीं होगा अगर विंड का डायरेक्शन ऑफ शोर जा रहा है तो जेली फिश हाई सीज की ओर चली जाएगी और फिर वहाँ पर वो एग्रीगेट नहीं कर पाएगी क्योंकि वो डिस्पर्स हो जाएगी डाइवर्ज कर जाएगी लेकिन जब हवाएं तटों की ओर बह रही हों तो वो उन सबको ला करके क्योंकि तट के आ तट के आगे तो ज़मीन है और जेली फिस में वो ताक़त भी नहीं है कि एकदम से उसके पाँव आ जाएंगे सड़कों पर दौड़ने लगेगी <laughs> कार्टून में ऐसा होता है ना एकदम से पाँव आए और सड़कों पर दौड़ने लगी ऐसे कैसे टिंग 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 ऐसा भी नहीं हो सकता तो मजबूरी ये है कि पानी पानी में रहना है तो इसलिए हवाएं जब समुंदर से तटों की ओर चलेंगी कोस्ट की ओर चलेंगी तो वहीं आकर के इकट्ठी और एकत्रित होती रहेंगी तो इसकी वजह से आपको एकदम से स्वाम्स नजर आएंगे स्वाम्स झुंड एग्रीगेट्स नजर आएंगे ओके और जब आकर के पानी की पानी की जलधारों से आकर के समुंदर के तटपट जाएंगी समुंदर पीछे खींचे जाएगा वहीं पर तबाह हो जाएंगी मर भी जाएंगी बीच स्ट्रैंडिंग्स बीच स्ट्रैंडिंग्स बीच पे स्ट्रैंड कर जाती या फिर

ये जेली फिश कुछ खाती भी तो होंगी भूखे पेट तो जीवन निर्वाह नहीं होता जो ये खाती हैं वो क्या खाती हैं ये जू प्लैंगटन खाती हैं ये खुद भी प्लैंगटिंग है और ये खाती क्या है जू प्लैंगटन्स और वो जू पलैंगटन्स भी इस तरह से समुंदर में है और अगर विंड डायरेक्शन कोस्ट की ओर है तो विंड डायरेक्शन फिर उस जू प्लैक्टनस को भी बहा करके लेकर के आएंगे तो इनको इनके कोस्ट पर ही पर्याप्त भोजन मिलने लग जाएगा और ये वहीं पर जिंदगी का निर्वहन अपना घर सा बसा लेती कहती वाहव विंड डायरेक्शन पहले हमें लाई और अब हमारा भोजन भी लाई यहीं पर जब भोजन मिल रहा है तो कहीं और काय को जाना काम पे क्यों जाना जब घर पे ही सारा सामान मिल रहा है फिर उसी बंदर उसी किनारे पे उसी तट पे टिकी रहती है उसी भोजन को खा खा के ज़िंदगी अपनी मशहूर करती रहती है ओके मज़े लेती रहती हैं ऐसा परिवार नियोजन करती हैं कि एक एक पे जिम्मेदारी डाल दी जाती है कि इतने इतने मेंबर बढ़ाओ हिटलर पद्धति पर चलती हैं फिर ये ओके कहानी समझ में आई तो विंड का डायरेक्शन बड़ा महत्वपूर्ण है विंड डायरेक्शन और भी बहुत सी चीज़ों को के लिए जिम्मेदार है ऐसी विंड बहरी विंड विंड बह बह करके जल की धाराओं को किनारे पर लेकर के आएगी और उनके साथ नमक भी ले ले के आएगी और जब नमक पानी आ, आ करके कोस्ट से आ करके मिलेगा तो वैसे तो अगर सेलिनिटी कम हो तब जा करके जेलीफिश अच्छे से ब्लूम करती बट बट जहाँ पर नमक अधिक हो वहाँ पर भी जेलीफिश ब्लूम करने का रीज़न इसलिए पाया जाता है जेलीफिस का लाइफ साइकिल इतना कॉम्प्लेक्स है इसकी टेक्सोनोमिकल डाइवर्सिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये एडवांस क्लाइमेटिक कंडीशन में जाती है यानी कि राइजिंग टेम्परेचर एंड हाई सेलिटी जिसमें बाकी मरीन ऑर्गेनिज्म नहीं कर पाते इसलिए इनके कॉन्टेक्स्ट में वो मर जाते हैं तो ये जीवित रह जाती हैं तो बचे कुछ खाने पर ये सर्वाइव कर जाती है ये ग्रो कर जाती हैं इनके शिकारी तबाह हो जाते हैं ये नहीं मरती आई बात समझ में क्योंकि इनका सर्वाइवल ज्यादा रिजिड है ये एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में जी सकती हैं इसकी वजह से ये हाई टेम्परेचर और राइजिंग सेलिनिटी में सर्वाइव कर जाती हैं जबकि बाकी ऑर्गेनिज्म ये नहीं कर पाते तो ये रिस्पेक्ट respect, उनके रिस्पेक्टिवली ज़्यादा स्ट्रेंथ रखती हैं सर्वाइव करने की इसलिए ये सर्वाइव कर जाती है क्योंकि जैसे ही वो हाई सलाइन वाटर आएगा बाकी तो तबाह कर जाएंगे ये रह जाएंगी और एक बार जब ये रह जाएंगी तो फिर ये मल्टीप्लाई करेंगी क्योंकि जैसे ही फिर थोड़ी सी फेवरेबल कंडीशन आएगी फिर क्योंकि सारा बचा हुआ भोजन इनको मिलेगा ये मल्टीप्लाई कर जाएंगी इसलिए उस आर्टिकल में दोनों बातें एक साथ ही लिखने को आ जाएंगी एक तरफ तो आप देख रहे होंगे कि क्योंकि नदियों का जल अब समुद्र तक अच्छे से नहीं पहुंच रहा इसकी वजह से वहां पर सेलिनिटी बढ़ती जा रही है इसकी वजह से ये ब्लूम कर रही है दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वेस्ट कोस्ट में नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से बढ़ती हैं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मानसून के समय में वेस्ट वेस्ट कोस्ट कह रहा हूँ ईस्ट कोस्ट ईस्ट कोस्ट में नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से बढ़ती हैं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से ईस्ट कोस्ट में सेलिनिटी कम हो जाती है आप कही ये दोनों बातें कैसे दोनों बातें मैंने समझा दी आपको आई बात समझ में ओके सेलिनिटी कम हो जाएगी फिर तो मज़े ही मजे मछलियों के फिर तो मछलियाँ छलांगे मारती कहती वाहव ज़िंदगी का क्या मज़ा आ रहा है इतनी सेरेन लाइफ इतनी प्रिस्टीन कल्चर और जब सेलिनिटी बढ़ भी जाए तो भी ये ज़िंदा रह जाती हैं कुछ खास इलाकों में रहने वाले लोगों के फेफड़े बड़े तगड़े होते हैं पोल्यूशन ले लेके भी जिंदा रहते हैं वहाँ पर किसी और शिमला वाले को ले जाके खड़ दो तो जिंदगी उसकी तबाह हो जाएगी अब सामने एक ही पाव भाजी और दो खड़े थे एक जले फेफड़े वाला और एक शिमला वाला दोनों को एक ही पाव भाजी मिल रही थी और दो पाव थे अब जले फेफड़े वाला जो है वो तो सर्वाइव कर जाएगा वहाँ पर पोल्यूशन हो रहा है शिमला वाला वहीं ढेर हो जाएगा तो फिर वो दोनों के दोनों पाव अब कौन खा जाएगा जिसके फेफड़े जले हैं और नेचुरली उत्पाद ज़्यादा मचाएगा बच्चे दो ज़्यादा पैदा करेगा क्योंकि पाव अब दो खा लिए इसकी वजह से ज़िंदगी ज़्यादा बढ़ाएगा अपनी और नए जले फेफड़े पैदा करेगा लेकिन शिमले वाले ख़त्म हो जाए ऐसे ही जिंदगी चलती है अभिजीत जो टिक गया वो मानता कहाँ फिर तबाही तो मचाता है कहता अब तो बताऊँगा मैं सबको क्योंकि बचे हुए भोजन पे उसका आधिपत्य हो जाता है लोग सोचेंगे साला इतिहास पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं आधिपत्य बचा हुआ भोजन शिमला वाला अरे हम तो ऐसे ही पढ़ते हैं यार सदाबहर ऐसी चीजें तो याद रहेंगी अब जेलीफिश को जेलीफिश बन के पढ़ने से बेहतर इंसान बन के पढ़ो है कि नहीं टेंशन मत लो साइंस का टॉपिक है तो क्या होगा हमारा जीवन भी तो साइंस ही है हाथ में कलम रख के जब इस पर लिख रहा हूँ अगर फ्रिक्शन ना होती तो लिख पाता क्या अगर बोर्ड पे अभी फ्रिक्शन जीरो कर दोगे तो मैं लिख पाऊंगा क्या अगर एटमोसफेयर का प्रेशर अभी समाप्त कर दोगे तो इंक बाहर आएगी क्या तो जब हमें विज्ञान हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से पता है तो हम ऐसे क्यों पढ़ेंगे जैसे हम पता नहीं क्या ही पढ़ रहे हैं है कि नहीं विज्ञान को ज्ञान से समझिए विज्ञान को किसी विचित्र तत्व से ना समझे ओके तो ये कहानी समझ में आई yes. विंड का कंसेप्ट समझ में आया yes, अगला क्या है टाइडल चेंजेस तो अब तुमको टाइडल चेंजेस तुमको क्लियर ही है सारा टाइडल yes, चेंजेस क्या yes. तुमको पता है ना चंद्रमा क्या करता रहता है समुन्द्र yes. के ऊपर yes. पुल इफेक्ट लगाता है yes, सूरज लगाता है कि नहीं लगाता है yes. बिटिया, सूरज लगाता है चंद्रमा से अधिक लगाता है कम लगाता है कम yes. hey, लगाता है दूर है तो कहती कम लगाता है पहले कहती ज़्यादा लगाता है ज़्यादा कम जो भी है बस लगाता है देखो जिंदगी में लगाने वाले लोग चाहिए अब कम लगाए ज़्यादा लगाए कोई टेंशन नहीं जोर लगाएँ मेहनत लगाएँ दिल लगाएँ लेकिन चाहिए हमें लगाने वाले तो सूरज क्या है वो भी लगाता है टाइडल इम्पैक्ट एक साथ कहीं एक लाइन में आ जाए दोनों सूरज और चंदा फिर तो दीवानगी लगा देते हैं लेकिन ये तो सत्य है कि चांद ही ज़्यादा लगाता है क्योंकि थोड़ा पास है तो ऐसे खींचते हैं समुंदर के पानी को अपनी ओर तो ऐसे करके जब खींचते हैं तो समुन्द्र का पानी दो इलाकों से जैसे ये पृथ्वी है ना पृथ्वी को समझो यार एक तो तुम लोग तो पृथ्वी बड़ी कम देखते हो आजकल ऐसे हो जाता है इधर को भी खींच जाता है इधर को भी खींच जाता है इधर से सुखड़ जाता है पानी दो हिस्सों से पानी धरती के पास चिपकने लगता है दो हिस्सों से दूर जाने लगता है हाई हो जाता है और एब हो जाता है हाई एंड एब हाई एंड एब तो धरती में हर क्षण किसी भी धरती के कोने में दो हाई टाइड और उसी समय दो लो टाइड ऐसी चलता ही रहती है ये निरंतर प्रक्रिया चल रही है दो हाई दो लो दो हाई दो लो बस चली जा रही है वो सैनोग्राफी के लेक्चर में बहुत डिटेल में है ये अब आप सुनते होंगे वो कब दिए थे <laughs> प्राचीन काल में था जब मैं अभी मैं आधुनिक काल में हूँ तुमको भी दे दूंगा <laughs> तो दो हाई दो लो लेकिन अब जो दो लो होती है ना उस समय में समुंदर से पानी थोड़ा खींचता है समुंदर के तटों से थोड़ा पानी खींचता है मछुआरे आगे आगे जाते कहते पानी खींच रहा है ऐसे ऐसे करके लेकिन जब हाई टाइड का समय होता है तो बड़े बड़े सेलर्स बड़े बड़े शिप अपने ऐसे बिल्ली की तरह बैठे रहते हैं कि हाई टाइड का समय है आप समुद्री जहाज किनारे पे लगाएंगे क्योंकि हाई टाइड समुद्री जहाज को किनारे पर ले जाने में मदद करती आई बात समझ में तो हाई टाइट से पानी उछल के तटों पर पहुंचता है और लो टाइट से पीछे की ओर खींचता है आई बात समझ में तो टाइडल चेंजेस के साथ साथ कंटेंट कोस्ट में बढ़ेगा और घटेगा कि नहीं घटेगा बढ़ेगा घटेगा कि नहीं बढ़ेगा घटेगा अच्छा जब बढ़ेगा घटेगा तो फिर इनमें भी परिवर्तन आएगा इनका भी आगे बढ़ना और पीछे हटना तय है भाई जब पानी खींच सा जाएगा ये समुन्द्र की रेत पे तिलमिलाती सी रह जाएंगी जब पानी चढ़ सा जाएगा तो एक तो इन्हें भी लाएगा इनका भोजन भी लाएगा भोजन के साथ साथ बड़ी खास वस्तुएं लाएगा पता क्या समुद्र के तल में बड़े घातक न्यूट्रिएंट्स हैं सल्फर है फॉस्फेट है अजीब अजीब सी चीज़ें हैं सोडियम भी है उनको उठा उनको समुद्र के नीचे से कुछ ठंडी जल की धाराएँ ऊपर की ओर आ रही हैं वो उन न्यूट्रियट्स को सरफेस पर ला रही हैं और टाइड का पानी जब चढ़ेगा उन न्यूट्रियट्स को भी साथ ले आएगा इनके मुँह में डाल देगा ये और खुश हो जाएंगे इन्हें प्लैंकटन भी मिलेंगे और इन्हें दूसरे मिनरल्स भी मिल जाएंगे आई बात समझ में वो सब ले लू के ये ऐसी छुट्टियां मनाती हैं कि फिर किसानों की ऐसी ऐसी कर देती हैं ये तो ये दूसरा कारण अब मुझे कारण तुमने कॉपियों पे लिखे हो लिखा दो यार तीसरा कौन सा था तीसरा बताओ यार सीक्वेंस में सरफेस करंट तो यार सरफेस करंट तो ऑलवेज इंपॉर्टेंट रहते ही रहते हैं कैसे इम्पोर्टेंट रहते हैं सरफेस करंट कैसे चलते रहते हैं देखो जिंदगी बड़ी मज़ेदार है जिंदगी कैसे मज़ेदार है जानते हो ये जो तुम लोगों को ऐसे करके ये जो तुम लोगों को ये साउथ अमेरिका दिखता रहता है ना चलो यहाँ से ऐसे गुलटन ही नहीं खाता है। ऐसे करके ऐसा ही है ना यार ऊपर से ऐसा और नीचे से ऐसा yes, जब ऐसे ऐसे हवाएं चलती हैं ना ऐसे ऐसे हवाएं चलती हैं तो ये सरफेस का पानी ऐसे दूर दूर ले जाती सबसे सरफेस पे गरम गरम जो पानी है से दूर दूर ले जाती अब वो पानी जब दूर जाता है तो कभी तुम्हारे दिल में यह सवाल नहीं आता कि यहाँ से पानी दूर चला गया पानी फिर भी उतना ही है दिल में कुछ तो सवाल आना चाहिए ना तुम्हारे अगर यहाँ पर मैंने एक गिलास पानी अभी फेंका है और मैं एक ब्लोवर लगा के उस पानी को अभी हटा दूंगा वहाँ नया पानी आ जाएगा कि नहीं नहीं लेकिन समुन्द्र के किनारों से पानी को निरंतर हटा रही हैं हवाएं और फिर भी वहाँ पानी ख़त्म नहीं हो रहा है ये कौन सा जुगाड़ लगा हुआ है क्योंकि समुद्र के तल से नया पानी आ रहा है समुद्र का जो तल है ना नीचे बॉटम में वहाँ से एक वाटर का कॉलम ऊपर की ओर भी उठ रहा है वो सरफेस पे आ रहा है गर्म हो रहा है और हवा के साथ बह रहा है नीचे से ठंडा आ रहा है सन को फेस कर रहा है कहता वाओ सो हीट गर्म हो रहा है और जा रहा है अब आप कहेंगे सर सरफेस बॉटम पे पानी कहाँ से आ रहा है कौन सा टुल्लू पंप नीचे लगा हुआ है समुंदर के अंदर जो पानी निकलते ही आ रहा है नहीं टुल्लू पंप नहीं है ये जो दूर जा रहा है ना यही एक पॉइंट पर जा करके फिर समुंदर के बीच में घुस डूब रहा है ये पानी ये अंदर की ओर जा रहा है आई बात समझ में ऐसे ही जिंदगी चलती रहती है यही सारा सिस्टम है ये डेंस हो जाता है अंदर घुस जाता है फिर अंदर जाता है ठंडा होता है ऊपर उठता है तो इस तरह से समुंदर में साइकिल बनता है ये साइकिल चलता ही रहता है आई बात समझ में तब जब सरफेस वाटर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर फ्लो कर रहा है तो वो अपने साथ कई तरह के न्यूट्रिएंट्स लाने और ले जाने के लिए ज़िम्मेदार होता है लाने और ले जाने के लिए जिम्मेदार होता है जिन किनारों जिन किनारों की ओर गर्म पानी जा के उमड़ रहा है गर्म पानी जा के टकरा रहा है उन किनारों में भी जेलीफिश को सहायता हो जाती क्योंकि ये एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव कर सकती है ये ज़्यादा तापमान में रह सकती है तो वहाँ पर बाकी की मछलियों की तो ऐसी तैसी हो जाती है मछलियाँ भागी जाती हैं ये वहाँ पर फिर भी टिक जाती हैं पहली बात और जिन जिन तटों से गर्म पानी हट रहा है और नीचे से ठंडा पानी निकल रहा है वहाँ पर तो प्लेंगटन्स की जो ज़िंदगी मज़े में आ रही है क्योंकि प्लैंगटन्स को सर्वाइव करने के लिए चाहिए मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स और समुद्र के तले से आने वाला पानी समुद्र के बॉटम से न्यूट्रिएंट्स ला रहा है क्योंकि समुद्र के बॉटम तक वो न्यूट्रिएंट कैसे गए थे क्योंकि तल क्योंकि ज़मीन से जब नदियाँ बहती हैं पर्वतों को और मिट्टियों को काट काट करके अपने साथ गजब गजब के मिनरल ले करके जाती हैं वो सारे मिनरल फिर नदियाँ जाके समुद्रों में जब गिरती हैं सारे मिनरल जा कर के बॉटम में सेटल हो जाते हैं और जब वो बॉटम से पानी फिर ऊपर की और वाटर कॉलम चढ़ता है अपवर्ड तो फिर वो सारे मिनरल सरफेस पे आते हैं वो सरफेस पे जब वो मिनरल आते हैं तो उन्हें पलेंगटन्स खाते हैं और प्लेंगटन्स जब अच्छी मात्रा में बढ़ जाते हैं तो उन्हें फिर जेली फिश खाती हैं फिर ये और मज़े में आ जाती हैं एक तो इन्हें सीधे भी मिनरल मिलते हैं दूसरा जिन्हें ये खाती हैं उन्हें भी मिनरल मिलते हैं इसलिए ये फिर उनको और खाती हैं तो इनका फूड पर्याप्त तो मात्रा में बनने लग जाता है आई बात समझ में तो इस तरह से सरफेस पर बहने वाला वाटर बहुत इंपॉर्टेंट सरफेस करेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जैसे कोल्ड एंड हॉट वाटर का कन्वर्जेंस जहां जहां पर गरम और ठंडा पानी टकरा रहे हैं ये बेस्ट फिशिंग ग्राउंड क्यों क्यों माने जाते हैं इनको बेस्ट फिशिंग ग्राउंड माना जाता है क्योंकि जहां जहां पर भी ठंडा और गर्म पानी टकरा रहे हैं बेस्ट फिशिंग ग्राउंड वहां पर यही इसलिए माना जाता है कि वहां पर बॉटम से ठंडा पानी ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाता है आई बात समझ में और वो अंडरग्राउंड जो न्यूट्रिएंट्स उन्हें सरफेस पे लाता है उन्हें खाते हैं प्लैंगटन्स प्लैंगट की मात्रा बढ़ने से बढ़ती हैं मछलियां क्योंकि मछलियों को मिलता है खाना तो सरफेस करंट की मूवमेंट ऑलवेज जिम्मेदार होती है मछलियों को जीवन प्रदान करने के लिए मछलियों का जीवन लेने के लिए भी लेकिन इनको फायदा इसलिए मिल जाता है कि एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में भी बाकियों से ज्यादा सरवाइव करती हैं ड्यू टू देयर कंप्लेक्स लाइफ साइकिल ओके तो सरफेस करंट भी महत्वपूर्ण है भाई इंपॉर्टेंट रोल है अगला कौन है भाई वाटर टेम्परेचर तो तब से समझा रहा हूँ ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से पानी का तापमान बढ़ रहा है क्योंकि पूरे ग्लोब का तापमान बढ़ रहा है तो पानी का भी बढ़ ही रहा है और पानी का तापमान बढ़ने की वजह से बाकी जीव जंतुओं की हालत क्या हो रही है पतली बाकी जीव जंतु पसीने आ रहे हैं देख रहे हैं क्या, क्या हो क्या रहा है पहली बात पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये पहली बात दूसरी बात आपको मैंने क्या बताया था पानी में एसिडिटी क्या हो रही है ओशियनिक एसिडिटी बढ़ रही है ओशियन और भी एसिडिक हो रहे हैं जिनकी वजह से वो कैल्शियम वाला स्केलेटन जिन जिन जानवरों पर है उनका वो स्केलेटन घुल रहा है इसकी वजह से उनके शरीर के ऊपर वो जो कवच चढ़ा रहता था वो सारा टूट रहा है कैल्शियम कार्बोनेट बुरी हालत में वो इसे इसे है वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं लेकिन इनको कोई अंतर नहीं पड़ता तापमान बढ़ने से ओशियन एसिडिक हो भी रहा है कोई टेंशन की बात नहीं तापमान बढ़ने की ये एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में रह लेते हैं तापमान बढ़ने की वजह से अब हो ये रहा है कि बाकी के जीव जंतुओं तबाह हो रहे हैं जिनकी वजह से फूड को लेकर कंपटीशन रिड्यूस हो रहा है इसकी वजह से फूड इनके लिए बच रहा है और ये और ज़्यादा ब्लूम कर रहा है आई बात समझ में इसलिए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जेलीफिश बढ़ने का एक एपिसोड ऑब्जर्व हो रहा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने की वजह से बाकी ऑर्गेनिज़म्स के सर्वाइवल में कमी आई है जिस जिसमें बड़ी मात्रा में पाए जा रहे हैं वो जीव जंतु जैसे कि सी टर्टल्स और डॉल्फिन्स और स्वर्ड फिश और बिल फिश ये फिशेस कम हो रही हैं तेजी से एक तो इनके प्रे बड़े होते रहे इनकी पोचिंग होती रही और दूसरा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनका जो फूड था वो ख़त्म हो रहा है तो ये एनिमल ख़त्म हो रहे हैं ये शिकारी थे ये लोग जेलीफिश को खाते थे ये खत्म हो रहे हैं टेम्परेचर बढ़ने की वजह से तो एक तो जेलीफिश के शिकारी मर रहे हैं तो इसकी वजह से जेलीफिश बढ़ती जा रही है दूसरा जेलीफिश खुद टेम्परेचर बढ़ने की वजह से खत्म नहीं हो रही है इसलिए भी बढ़ती जा रही है बस बढ़ ही रही है ये कम नहीं हो रही है ओके कई कारणों से बढ़ रही है अगला क्या था बताना यार यार सेलिनिटी का वैसे मैंने पॉइंट तो अभी बताया आपको सेलिनिटी दिन बाय दिन आपको पता है समुद्रों में लवणता बढ़ती जा रही दिन बाय दिन जमीनों पर इरोजन बढ़ता जा रहा लैंड पे इरोजन बढ़ता जा रहा है अब एक साइंटिस्ट ये बता रहे हैं कि भाई जो ग्लेशियर रहता है अब साइंटिस्ट क्या बताएंगे हम तो पहले दिन से बता रहे थे और ग्लेशियर जो है उसके आसपास जो ग्रीन ग्रास पैचेज होते हैं वो बड़े जरूरी हैं हमने तो बचपन से फिल्में देखी हमने देखा ग्लेशियर के आसपास एक पहाड़ी होती है उसमें ग्रीन ग्रीन पैचेस होते हैं जिसमें कुछ भेड़ बकरियां चल रही होती हैं अब साइंटिस्ट क्या बताएंगे बकर वालों को तो ये पहले दिन से पता है वो तो शुरू से अपनी भेड़ों को चराने के लिए बकरियों को चराने के लिए चढ़ाते थे अब आप लोगों ने वहाँ पर जा जा करके बम ब्लास्ट कर कर के करके सड़ सड़कें बनाने के नाम पर या फिर और पता नहीं क्या क्या बनाने के नाम उनको छील दिया सारी घास उड़ा दी अब सारी जब घास उड़ा दी तो फिर मज़े ले लो फिर ग्लेशियर अब एकदम से टूट गया ज़िंदगी हिल गई पूरी तरह से क्योंकि वो आस पास की घास उसकी बड़ी दीवानगी एक तो वो कार्बन को ट्रैप कर लेती है अपने पास एटमॉस्फेयर में सराउंडिंग में कार्बन रहने नहीं देती और दूसरा सराउंडिंग के रीजन में जितना भी वाटर शेड एरिया उस वाटर शेड एरिया में जितना भी गर्म पानी जो क्योंकि ग्लेशियर के मुकाबले बाकी का पानी जो वहाँ फ्लो पर आएगा वो तो गर्म ही होगा उस गर्म पानी को नीचे गिरने नहीं देती थी घास की जड़ें अपने अंदर ही सहेज लेती थी इसलिए वो पानी रिस रिस करके ग्लेशियर के बॉटम में जाता ही नहीं था जब वो बॉटम में जाता ही नहीं तो बॉटम को वार्म करता ही नहीं था जब बॉटम को वार्म करता ही नहीं तो बॉटम का ऊपर का हिस्सा नीचे के हिस्से के कंपेरेटिवली ज़्यादा ठंडा रहता ही नहीं था इसकी वजह से फिर ऊपर का हिस्सा नीचे के हिस्से के ऊपर स्लाइस की तरह स्लाइड नहीं करता था कटता नहीं था घास उड़ा दी जिंदगी तबाह आई बात समझ में तो ये तो हम समझा ही रहे हैं इसी तरह से ऐसे पेड़ काट दिए जा रहे हैं सड़कें बन रही कुछ भी बन रहा है नदियां अपने साथ इतना इतना मलबा ले लेकर के जा रही हैं जा करके गिरा रही हैं सारा और सेलिनिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता मेरे बच्चों की नमक बढ़ रहा है नमक नहीं होता है सेलिनिटी का मतलब कि सॉल्ट बढ़ रहे हैं सॉल्ट हर सॉल्ट का मतलब नमक नहीं है सॉल्ट्स बढ़ रहे हैं मिनरल्स का कंटेंट समुंदर में बढ़ रहा है मने सेलिनिटी बढ़ रही है ओके तो इतने सारे मिनरल जब चट्टानों के रूप में नदियों के साथ कट करके बह कर के इरोजन की फॉर्म में जाएंगे और समुन्द्र में जाकर के डिपॉजिट होंगे तो पहले तो तबाही मचेगी मचेगी एक तबाही ये मचा रहे हो दूसरी तबाही सभी नदियाँ तो तुमने रोक ली पीछे डैम बना बना करके नदियों का फ्री फ्लो तो अब जाने नहीं देते पहले सारा साल जाती थी अब सिर्फ बरसातों में जब फ्लड आने होता है तब छोड़ देते हो और जब तब, तब थोड़ते हो तो नदी के पानी के मुकाबले नदी में मलबा ज़्यादा होता है मिनरल ज़्यादा देते हो अब नदी का पेरेनियल फ्लो हो नहीं रहा इसकी वजह से नदियाँ जा के कोस्टल एरिया के समुद्री पानी में घुल घुल करके उसके नमक की मात्रा को घटा नहीं रही और जब नमक की मात्रा को घटा नहीं रही तो वहाँ पर नमक की मात्रा बढ़ रही है और जब वहाँ पर नमक की मात्रा बढ़ रही है तो बाकी जीव जंतुओं की ज़िंदगी तबाह हो रही है क्योंकि सैलिनिटी जैसे ही बढ़ जाएगी बाकी जीव जंतु मरीन ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे लेकिन ये जो हैं बड़े खिलाड़ी हैं जेली फिश ये एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन यानी कि हाई सेलिनिटी और हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर जाते हैं तो जो ये सर्वाइव कर जाएंगे तो जो खाना थोड़ा बहुत बचा हुआ है क्योंकि बाकी ऑर्गेनिज्म ने अपनी पाव भाजी खाई नहीं उस भाजी को ये खा जाएंगे ज़िंदगी की धूम मचा जाएंगे और इनको पता है एक दिन तो मजे आएंगे आएंगे मौसम बदलेगा जैसे ही मौसम मौसम बदलेगा फिर संतान पैदा करेंगे अपनी जनसंख्या बढ़ाएंगे संतान तो तब पैदा करेंगे जब एक ख़तरनाक मौसम में बचे रहेंगे समझ आई बचे रहने की क्षमता इनमें है जहाँ बाकी तबाह हो जाते हैं सारे बचे रहते तो भोजन कम पड़ता तो ये भी मर जाती अब बाकी के ख़त्म हो गए भोजन कम था फिर भी ये बच गए क्योंकि इनकी मात्रा उतने भोजन पर तो टिक ही सकती थी आई बात समझ में कैसे हमने देखो सेलिनिटी को प्रभावित किया है और दूसरी ओर देखो दूसरी ओर यह पाया जाता है कि यह जो ईस्ट कोस्ट है भारत का इसमें खास तौर पर जब रिट्रीट मॉनसून आता है नॉर्थ ईस्ट इस मॉनसून के समय में माहौल यह बन जाता है कि यह मॉनसून आ रहा है अपने साथ यहाँ वर्षा कर रहा है समुद्र से आकर के समुद्री किनारों से तमिलनाडु में वर्षा होती नवंबर दिसंबर अपने साथ इन इलाकों में जब यह वर्षा कर रहा है तो मानसून का पानी बरसात का पानी कौन सा पानी होता है मीठा पानी वर्षा कर कर के करके -कर समुद्री तटों को क्या कर रहा है न्यूट्रलाइज लवणता कम कर रहा है सेलिनिटी कम कर रहा है और सेलिनिटी कम करने की वजह से सभी मरीन ऑर्गेनिज्म क्या हो जाते हैं गदगदा जाते हैं मतलब कि एकदम से खुश हो जाते हैं और ये खुश हो जाती हैं फिर ये और बढ़ जाती है ज़िंदगी और इनकी मस्त हो जाती है और ऊपर से जब मानसून आ रहे हैं आ रहे हैं तो समुद्री हवाओं के रूप में आ रहे हैं तो समुंदर के अंदर से समुंदर के भीतर जितने न्यूट्रिएंट्स हैं जितने प्लैक्टन्स हैं उनको भी ढकेल ढकेल करके किनारे की ओर ला रहे हैं ये और खाती हैं उन्हें और मज़े लेती हैं ऊपर से मानसून आ रहे हैं आ रहे हैं तो नदियों में जल दे रहे हैं नदियों का जल बढ़ रहा है तो नदियाँ भी जा के किनारों पर जाकर के समुद्र से मिल रही हैं सिलिटी को और न्यूट्रल कर रही हैं ये और मस्त हो रही हैं इनकी मस्ती का कोई ठिकाना नहीं है यही इनकी ज़िंदगी है ओके क्लियर हुई कहानी मतलब ये मतलब इनकी चित्त भी इनकी पट भी इनकी इसलिए किसी के काबू नहीं आ रही बाकी सभी जीव जंतु इनको बस खड़े होकर देख रहे हैं लेकिन इन्होंने सहा बहुत है इन्होंने सहा बहुत है ये उन जीव जंतुओं को कहती बेटा तुम्हारा जमाना गया तुमने मौज बहुत की हमारे बहुत शिकार किए सबसे पुरानी है लेकिन आज भी प्लैंकटन ही रह गई हम तुम कब आए इतने बड़े हो गए कोई वेल बना कोई डॉल्फिन बना हमने कुछ कहा हमने आपत्ति जताई हम युगों युगों से प्लैंकटिक बन के घूम रहे हम पानी में लटके रहे तुम्हें बड़ी खुशी हुई आज ईश्वर ने हमें जन्म दिया जमाना दिया आज हम तुम्हें बताएंगे ओके तो हमारे तो इतिहास में बचपन से वो कहानी पढ़ाई जाती है एक हाथी को एक चीटी भी तबाह कर सकती है तो वही ये बता रहे देखो एक करोना पूरी मानवता को हिला सकता है अब जिनका हमने शोषण किया युगों से अब वो उनका आधिपत्य होगा ये बात तो आप याद रखना अब जलीफिस आ रही है तो अल्लाह मचा रहे हैं ओके अगला कारण बताओ भाई ऑक्सीजन ओके आपको पता है ज़्यादा सॉल्ट हो जाने से ज़्यादा मिनरल हो जाने की वजह से जो कोरल्स होते हैं उनके जो पॉलिप्स होते हैं उनका माउथ क्लॉग हो जाता है पॉलिप मर जाता है तो पॉलिप मर जाता है तो कोरल भी फुर कोरल भी ब्लीच हो जाता है क्योंकि कोरल तो क्या है रंग बिरंगा जीवन कोरल क्या है एक रंग बिरंगा जीवन एल्गी ओके लेकिन वो जो रंग बिरंगा जीवन है वो एक सिम्बायटिक रिलेशन पर टिका वो सिम्बायटिक रिलेशन किसके साथ तहत डेवलप किया उस एलगी ने उस पॉलिप के साथ कोरल पॉलिप्स बात समझ में और पॉलिप्स जो हैं वो तबाह हो गए अगर उनका माउथ क्लॉग हो गया मिनरल के साथ तो जिंदगी सबकी ख़राब होगी सारे नष्ट हो जाएंगे इसलिए कहते हैं नदियों में प्रदूषण ना करो सारे कोरल रीफ तबाह हो जाएंगे ऑक्सीजन की मात्रा डिजोल्ड ऑक्सीजन कम हो रहा है पानी में घुला हुआ जो ऑक्सीजन है वो कम हो रहा है डे बाय डे पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन तो अपने आम ही कम होगा जब पानी में सेलिडिटी बढ़ती जा रही एक गिलास पानी लेकर के उसमें साल्ट बढ़ा दो ज़्यादा घुसेड़ दो तो उसमें और मटेरियल फिर बताना उसमें ऑक्सीजन कितना है फिर तुमसे बात करेंगे आई बात समझ में तो पानी में ऑक्सीजन डे बाई डे घटता जा रहा है डिज़ोल्व ऑक्सीजन क्योंकि ऑक्सीजन पैदा करने की जो क्षमता उन प्लैटन्स में उन ऑर्गेनिज्म लाइफ फॉर्म्स में थी वो डे बाय डे इम्पैक्ट हो रही वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेकर के ऑक्सीजन देती थी वाटर में डिज़ोल्व करती थी उन ऑर्गेनिज़म्स को उन लाइफ उन उन प्लैंक्टन्स को आज हमने पोल्यूशन के माध्यम से कंटेमिनेशन के माध्यम से यूट्रोफिकेशन के माध्यम से तबाह कर डाला है अब वो नहीं है इसकी वजह से वो पेड़ों की तरह समुद्रों में काम नहीं कर पा रहे हैं ज़मीन से आपने पा, पा, पेड़ उड़ा दिए तो ऑक्सीजन की मात्रा की हाहाकार मची हुई है ऐसे ही समुद्रों से आपने फाइटो प्लैंगटन उनकी इतिहास मिटाने पर आमादा हो इसकी वजह से वो ऑक्सीजन भी पैदा करके डिजोल्व नहीं करा पा रहे हैं डे बाई डे ऑक्सीजन रिड्यूस होता चला जा रहा है इसकी वजह से आज की डेट में डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो रहा है और जीव जंतु समुंदर के मरते जा रहे हैं और समुंदर के जीव जंतु मर मर करके उसके तल, तल पर गिरते जा रहे हैं तल पर गिरते चले जा रहे हैं और उन समुद्री जीवों के तल पर गिरने से जाकर के समुद्र के तल पर गिरने से उन्हें खाने के लिए वहाँ पर अनंत प्रकार के बैक्टीरिया आ रहे हैं वो अनंत प्रकार के बैक्टीरिया इन सभी क्रियाओं के लिए ऑक्सीजन और मांग रहे हैं ऑक्सीजन मांग मांग करके वो पानी में घुले हुए ऑक्सीजन की जो हालत कर रहे हैं वो आप सोच भी नहीं सकते इससे ऑक्सीजन और कम हो रहा है पानी में आई बात समझ में जिंदगी नष्ट सी होती जा रही है ओके okay? समुद्र के तल में रहने वाले हालांकि बहुत से ऐसे ऑक्सीजन भी हैं अब ऑक्सीजन बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कीमो सिंथेसिस फोटोसेंथसिस के अलावा कीमो सिंथेसिस भी सर्वाइव करते हैं समुद्र के तले की जब बात करेंगे तो ऐसे शेल्फ ऐसे 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 करके समुद्र का तला बनता है समुंदर के तल में बहुत कुछ है ओके ऐसे चलते जाओ जब तक डूब नहीं जाओगे चलते चलते पता पता लग जाएगा तला कब आता है <laughs> पहले शेल्फ आता है फिर एक स्लोप आती है फिर तला आता है ओके क्लियर हुई कहानी ये समझ में आया डिज़ yes. ऑक्सीजन लेकिन इनको कौन सा वरदान है जेलीफिश को ये फिर से वही लाइन एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में रह लेती है ना भाई क्यों ओल्डेस्ट मल्टी ऑर्गन ऑर्गेनिज्म कर चुकी है।, इसकी में रहना सीख चुकी है इसमें इतनी वेरिएशन आ चुकी है कि जिसकी वजह से यह सीख चुकी है इसको खराबी नहीं होती आपने देखा नहीं किसी सीजन में कोई ब्लूम कर रही है और दूसरे सीजन में कोई और ही ब्लूम कर रही है हमें तो मतलब जेलिफिस के बलूम्स है ना किसी एक्सपीसीस के नहीं तो ये इतनी वेरिएशन रख चुकी है आज आप अपने आप में कि तापमान बदल जाए चाहे लवणता बदल जाए चाहे ऑक्सीजन की मात्रा बदल जाए इसकी इस कोई ना कोई स्पीसीस सर्वाइव कर ही रहती हैं सारा साल ये जिंदगी चलाए रखती है अपनी क्योंकि ये मल्टी ऑर्गन ऑर्गेनिजम्स में ओल्डेस्ट ऑर्गेनिजम के तौर पर पृथ्वी पर पाई जा रही है और पृथ्वी में निरंतर आते परिवर्तनों के साथ अब ये अडेप्ट हो चुकी है उस अडेप्टेसन की वजह से ये आज इतनी रॉबस्ट हो गई है इसे फरवा नहीं पड़ती इसे फिक्र नहीं है आई बात समझ में ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी वजह से ये सर्वाइव कर जाती है दैट इज़ ऑक्सीजन कम और जैसे ही ऑक्सीजन डिजोल्व कम हुआ तो बाकी ऑर्गेनिज्म की हालत क्या होने जाती गला घुटने लग जाता है गला घोट के मर जाते हैं और ये खा लेती हैं उन्हें आई बात समझ में गला घोट घटा करके ख़त्म हो जाते हैं फाइटो प्लैंगटन और जू प्लैंगटन तैयार कर रहे होते हैं कहते हैं आएगी एक स्वर्ड फिश आएगी हमें खाने एक डॉल्फिन उसे खाने आएगी ऐसा कोई आता नहीं है और ये आके उन्हें कहती हैं बेटा तुम्हें तो हम ही खाएंगे और इनकी जनसंख्या ब्लूम कर जाती है ओके नेचुरल इतना ही थे कि कोई और भी था टर्बिडिटी भी एक कारण होगा जैसे पानी में ट्रांसपेरेंसी का कम हो जाना टर्बिडिटी होती है ना अरे यार आप अपना ग्लास ऑफ वाटर लो उसमें कई बार रेत आ जाती है ना रेत टर्बिडिटी का टेस्ट नहीं करते वो आर लगाने वाले आते हैं जो और बताते नहीं कि कितना मटीरियल लटक रहा है आपके पानी में सस्पेंडेड मटीरियल टर्बिडिटी जितनी ज्यादा पानी में होगी वो जितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है वाटर क्वालिटी जितना डिटीडरेट होते जा रहा है ये ब्लूम करते जा रहे हैं क्योंकि जितनी ज़्यादा टर्बिडिटी होगी बाकी जानवरों की जिंदगी बेहाल होगी क्योंकि सनलाइट पेनिट्रेशन कम हो जाएगा और सनलाइट पेनिट्रेशन कम हो जाएगा तो उन तक वैसे सीधी जिंदगी तो सीधी लाइट तो पहुंच ही नहीं रही तबाही का आलम उन्हें प्राप्त हो जाएगा और दूसरा प्लैंगटन्स भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि सन लाइट पेनीट्रेशन कम हो जाएगा क्योंकि टर्बिडिटी है ऊपर से उनके मुँह क्लॉग होने लग जाएंगे क्योंकि टर्बिडिटी है आई बात समझ में स्वच्छ जल उन्हें भी नहीं मिल रहा उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा उन्हें सब परेशानियाँ हो रही ऐसे में एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में ये सर्वाइव कर सकती हैं इन्हें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इतने लंबे समय से जो मल्टी ऑर्गन के तौर पर एग्जिस्ट कर रही हैं इन्होंने कितने पोल्यूशन झेल लिए मानवता के सिंधु घाटी इन्होंने देख ली फ्रांस और स्पेन की सभ्यताओं को इन्हें भोग ली इन्होंने भोग लिया है लोथल के तटों पर ये छलांगे मारती रही होंगी किसी जमाने में कौन सी दंश इन्होंने नहीं भोगा मानवता का सिकंदर इन्होंने देख लिया नेपोलियन इन्होंने देख लिया गांधी भी इन्होंने देखे ये युगों युगों से चलते आ रहे पोल्यूशन को देख रही हैं उन सबको खा खा करके इनकी नस्लें बनी हैं और आज ये अपने पूर्वजों के इसी हंकार पर खड़ी हैं कि आज हमने सब भोगा है आज तुम्हें भोगाएँगे फिर और भोग भोग के भगाएंगे आई बात समझ बड़ी पुरानी है ये ख़त्म नहीं होंगी जद्दी है ये जद्दी हेरिटेज हैं ये ओके इसलिए इनको टेंशन लेकिन जो नए नए अभी जन्मे हैं एकदम से आए हैं एकदम नया ट्रेंड उनको थोड़ा सा पोल्यूशन दिखा नहीं वहीं तबाह हो गए <laughs> तो नए नए आए थे थोड़ी सी टर्बिडिटी देखी कहते ओ ये वट इज दिस हम तो लाइट पे रहते हैं लाइट तो है ही नहीं वहाँ पर तो पोल्यूशन ही बड़ा घातक है गंगा जा करके गिर रही है समुंदर में वहाँ पर वो ऑर्गेनिज्म आ गए एकदम से ओ माई गॉड वट इज दिस पैच ऑफ वाटर वहीं तबाह हो गया ग्रेबन के चश्मे लगाए हुए थे वहीं मर गया सला <laughs> लेकिन उसी के साथ इन्हीं की कुनबे की एक जो लड़की जा रही थी वो जेलीफिश वो एकदम सर्वाइव करके इस उस पानी में थी, गए थे मेरा रोज़ का बेटे क्या हुआ मेरे मेरा हाथ पकड़ के चल नहीं चल पाया वहीं लुढ़क गया चश्मे वहीं तैरते रह गए पानी में लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ क्योंकि टर्बिडिटी इसके पूर्वजों की नसों में दौड़ रही थी नॉन ट्रांसपेरेंट पानी में तैर तैर के उन्होंने इसे तैराक बनाया था इसलिए सर्वाइव कर गई क्योंकि मल्टी ऑर्गन में ये सबसे पुरानी है जो अभी भी जिंदा और वो जो नया नया मल्टी ऑर्गन बना था जो नया नया अभी चार चार पहिए गाड़ियाँ मोटरसाइकिल देखने लगा था हवा में उड़ने लगा एकदम से ख़त्म हो गया ओके ऐसी ज़िंदगी में चीज़ें चलती हैं कहीं जल्दी जाना था आज आपको ओके मुझे गलती लग गई इसके अलावा कोई नेचुरल कारण है भाई चलो अब फिर मैन मेड पढ़ लें जरा बताना कौन से हैं मैन मेड मैन मेड मैंने एंथ्रोपोजेनिक बताना जरा वाटर क्वालिटी तो अभी बता ही दी आपको वाटर क्वालिटी डिटेडन ओके वाटर क्वालिटी की डिटेटेशन तो आपने कर ही रखी है एक से एक केमिकल घुसरेटर हो जाकर के एक से एक से एक पेट्रोलियम हर रोज़ आप लोगों का पेट्रोल जो है वो लीक हुआ होता है पानी के जहाज़ों में से पानी के जहाज़ों में से पेट्रोल लीक करके एक तो उसकी डेंसिटी कम रहती है और तो पानी के ऊपर ऊपर ही तैरने लग जाता है सारी सनलाइट की पेनिट्रेशन को रोक देता है अंदर के जीव जंतु देख के काली घन घोर घटाएँ कहाँ से आ गई भाई ये कौन आ गया है यहाँ पर समुन्दर में कहते थोड़ा उधर को चल के देखते हैं हजार हजार स्क् किलोमीटर तक सला फैला ही हुआ है और इनके लिए तो दो शब्द हैं ऑयल स्पिल लेकिन उनकी तो जिंदगी के लग गए ना वांदे वो तो तबाह हो गए ना कल अभी शादी कराई थी अभी परसानी मुँह था काला काला करती सारा समुंदर वो तो बैठे हुए मुँह ठा करके दोनों रास्ते में ही काली घनघोर घटाएं छा गई वहीं वहीं सनलाइट कम हो गया वहीं पर प्लैंगटन खत्म हो गए वहीं उनको लगा रास्ते में रेस्टोरेंट आएंगे प्लैंगटन खाएंगे ना वो रेस्टोरेंट आया ना कोई प्लैंगटन आया दोनों भूखे मर गए अब उनका कुनबा खबर पड़ रहा है ये देखो यार कल हमारे कुनबे के दो लोग गए थे हनीमून मनाने गए थे दूसरे तट की और रास्ते में काली घनघोर घटाएं छाई साल बर्बाद हो गए अपने कुनबे में ही रहो भैया वो तेल तूल के इलाकों से दूर रहो तो ऐसे ऐसे जब तुम लोग पोल्यूशन करोगे तो कैसे जीव जंतु रहेगा यार जिंदगी तबाह कर ना तो सनलाइट को अंदर जाने देते हो ऑक्सीजन की तुम तुम लोग जो हालत कर देते हो उस ऑयल को तो वहाँ गिरा करके वो तो ऑक्सीजन किस किस के जात साथ जाके कंपाउंड बना लेता कुछ समझ में नहीं आता ऑक्सीजन का कुछ और ही बना होता समझ है समझ आई बात इस तरह से जिंदगी भरा उनके मुंह में जहां पर तुमको अनाज डालना था उनके मुंह में तुमने ऑयल डाल दिया एकदम से उन्होंने मुंह खोला ऐसे प्लैंकटन की जगह कुछ और ही आ गया तो हो माई गॉड इज दिस डेड हमारे साथ भी तो ऐसा ही होता है रोटी खाने के लिए मुंह खोलें कोई कुछ और डाल दे तो क्या बनता है ज़िंदगी का सोचो है कि नहीं तो ये सब जिंदगी उनकी हमने बर्बाद की है अगला क्या है भाई यूट्रोफिकेशन चलो जी ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है अब लगे समुंदर में खेती करने समुन्द्र में कहते खेती करेंगे मछलियों को फैटन करेंगे फैटन मछलियों को फैट करेंगे पहले एक समुंद्र में बना के घेरा सा उसमें मछली डालेंगे और कन्फाइंड एरिया में फिर उसको एकदम से फैट करके मार्केट में बेच दें उसके लिए लगे एक से एक फर्टिलाइज़र डाल दें एक से एक फॉस्फेट और जो खेतों में चावल के खेतों में धान के खेतों में पैडी कल्टीवेशन में वीट कल्टीवेशन में क्या नहीं डाल रहे लोग यूरिया, यूरिया नाइट्रोजन पोटेशियम फॉस्फोरस वो बरसात के माध्यम से लीच हो हो कर के समुद्रों में जा रहा है नदी के मात्र और फिर सीधे में एक, एक्वाकल्चर वहीं पे कर रहे हैं तो एक्वाकल्चर की वजह से एक्सेस फूड इंसान खाद नहीं होती फीड जो आप लोग एरियम में ऐसे ही डालते हो ऐसी फीड ही समुद्र में भी डालते हैं ऐसे फीड बोरे के बोरे फेंक रहे हैं जाके पानी वाले जहाजों से ऐसे ऐसे करके जब इतना एक्सेस फूड फेंक रहे हो जब इतना न्यूट्रिएंट्स जा रहा है सरफेस से तो फिर अल्टीमेटली वहाँ पर यूट्रोफिकेशन तो वो फॉस्फेट की मात्रा बढ़ने से केरल में पर्टिकुलरली फॉस्फेट की मात्रा बढ़ने से इनकी जिंदगी प्रस्फुटित हो गई इनको इतना प्यारा है ना वो फॉस्फेट उसे खा खा करके उस फर्टिलाइजर को ले ले करके ये लोग पूरे मजे में आ गए इनकी जनसंख्या बढ़ गई और फिर इन्होंने छोड़ा नहीं किसी भी। को भी सबको ये खत्म कर गए जैसे एल्गे का ब्लूम हो जाता है नाइट्रोजन के माध्यम से वैसे फॉस्फेड के माध्यम से इनका ब्लूम हो गया ये ग्रो कर गए इसलिए एक्वा कल्चर का बढ़ना भी एक तरह से घातक है क्योंकि आप एक्सेस फूड वहाँ पर डाल रहे हैं जिस एक्सेस फूड की वजह से इनकी एक्सेस नंबर बढ़ रहे हैं आई बात समझ में ये है जितनी पॉपुलेशन नहीं उससे ज्यादा फूड तो फिर फूड के लिए उतनी पॉपुलेशन ये पैदा कर लेंगे एक से एक यूट्रोफिकेशन हो रही एक से एक मिनरल एक से एक न्यूट्रिय जमीन से बह बह करके वहाँ जा रहा है आप सीधे भी वहाँ फेंक रहे हैं तो तबाही तो मचेगी फिर अगला और उसी यूट्रोफिकेशन की वजह से बाकी जीव जंतु तबाह हो रहे हैं क्योंकि जब ब्लूम हो जाता है वहाँ पर कई बार एल्गे का ब्लूम हो जाता है इनका ब्लूम हो जाता है सनलाइट पेनेट्रेशन फिर रुक जाती फिर अंदर के जीव जंतु सनलाइट की मार में खत्म होने लग जाते हैं और फिर वो गिर जाते हैं शेल्फ के ऊपर या अदर एरियाज़ में और फिर उन्हें आके बैक्टीरिया तोड़ तोड़ करके बैक्टीरिया जब उन्हें तोड़ते हैं तो भी सांस मांगते हैं ऐसे ऐसे करके तो वो ऑक्सीजन ले लेते हैं सारा समुंदर से ही और डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा फिर कम हो जाती है ऐसे में फिर ये लोग खुशियाँ मनाते कहते हम तो सर्वाइव कर जाएंगे तुम करके बताओ ये फिर जीवित रह जाते हैं। है कि नहीं आगे ओवर फिशिंग ओवर फिशिंग कर करके इनके जितने शिकारी थे सारे इंसानों ने मार दिए स्वर्ड फिश खा ली बिल फिश खा ली डॉल्फिन तो कहीं दिखती भी नहीं है वेल के तो ऊपर मॉरेटोरियम करना पड़ गया अमेरिका में व्हेल इतनी मार दी तेल की तेल की लाभ में तेल की लालच में कि व्हेल कहीं दिखती नहीं वेल उड़ा दी डॉल्फिन उड़ा दी स्वर्ड फिश उड़ा दी बिल फिश उड़ा दी सारी उड़ा दी जो जो इन्हें खाते थे वो तो तुमने मार दिए ओवर फिशिंग कर दिया तो इन्हें खाने वाले किधर से आएंगे फिर बाद में कहते हैं सेव द टाइगर अब रह गए चौदह सौ ग्यारह बाघ चौदह सौ ग्यारह बाघ तो बैठे रह ही जाएंगे जब तुम ऐसे नरबख्शी बन जाओगे तो ये बढ़ रही हैं दूसरा ओवर फिशिंग कर रही हैं अब फिश नहीं है समुद्र में प्लैंगटन है।, है ये लोग आके देख भी रही हैं कहती है, इतना खाना आपस में बात करके कहते इतना खाना कैसे दो दिन रुकेंगे इंतजार करेंगे अगर कोई नहीं खाने आया फिर हड़प कर जाएंगे क्योंकि इन्हें डर लगता है कहीं ट्रैप तो नहीं बिछाया कहीं साला खाना छोड़ के मछलियों ने इनको तो नहीं खींच रही ट्रैप में फिर आके चपट्टा मार ले। लेकिन जब ये दो दिन बाद देखती हूँ फिर ये कहती हैं इंसानों ने लग रहा है काम कर दिया इंसानों ने काम कर दिया लग रहा है चलो अब खाएं ये वाला खाना खा के बढ़ जाती हैं फिर वही इंसान जब समुद्र किनारे में पाँव डाल के कुछ करने लगता है उसको आके अपने निमेटो सिस्ट से काटती हैं फिर <laughs> और फिर जब उसे काटती हैं फिर कहता कुछ हो रहा है आँख में भी सूजन आ रही है आई बात समझ फिर वॉमिट जैसा फील होता है फिर एबडामिनल पेन्स होती हैं फिर और बहुत कुछ होता है वो भी बताता हूँ इतना समझ में आ गया आगे ट्रांसलोकेशन इसको समझाएंगे इसके अगले अच्छा, समुद्र के अंदर समुंदर क्या है हैबिटेट है समुद्र के अंदर घुस घुस के लोग क्या कर रहे हैं कहते हैं बहुत भयंकर मछली पालनी है अपन को तो जैसे कोरल होते हैं ना कोरल एक तरह के मछलियों के लिए क्या होते हैं कोरल में आकर के मछलियां अपने अंडे देती हैं कोरल रीफ़ में मछली आके देखती है कहती है ये तो बड़ी अच्छी ज़िंदगी है यहाँ पे क्योंकि कोरल रीफ पूरा बना हुआ है यहाँ पे वाटर मूवमेंट ज़्यादा नहीं रहती यहाँ पर सेफ्टी रहती है यहाँ पे आ कर मैं अपना स्पॉन कर लूँगी यहाँ पे मैं आके अपना एग रख लूँगी वो सेफ़ रहेगा फिर सब ठीक रहेगा इन्होंने क्या किया है जो किसान हैं इन्होंने वैसे ही केव्स बनानी शुरू कर दी समुंदर के तट पर वहाँ पर आ कर के मछलियों को स्पॉन करना अपने अंडे देने सब कुछ करना है लेकिन अब वहाँ पर गेम दूसरा ही बदल गया है वो गेम क्या बदलने लगा है जैसे जैसे इन्होंने केज बना दिए वहाँ पर केव बना दी तो हैबिटेट जो है मछलियों का उसको मॉडिफाई कर रहे हैं लोग खुला समुंदर था उसमें घेरा बना देते हैं कन्फाइंड वाटर जिसकी वजह से वाटर लार्जर वाटर के साथ मिक्स नहीं हो पा रहा दूसरी बात केव बना रहे हैं अब जब केव बना देते हैं तो ये क्या करती हैं ये जो जली फिश है उस केव के माउथ इतनी नंबर में होती है कि केव का जो मुंह है उस मुंह को ये क्लॉग कर देती है ये पूरी केव को पूरा क्लॉग कर देती हैं अब जब क्लेव को केव केव को जब क्लॉग कर देती हैं जब मुंह सा बंद कर देती हैं उसका तो उसके अंदर नया पानी समुद्र का आ नहीं पाता इसकी वजह से उसके अंदर नया ऑक्सीजन आ नहीं पाता इसकी वजह से वो जो पह, वहां पर बैठी हुई मछियाँ हैं वो एसफिक्सिएशन फील करने लग जाती हैं दम घुट के मरने की बीमारियाँ उन्हें क्या होने उन लगता है दम घुटने लगता है तबाही सी मचने लग जाती है आई बात समझ में इस तरह से वो कहती है ये क्या हो रहा है जिंदगी पानी एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है कौन आकर के यहाँ पर ऐसे क्लॉग कर चुका है इसका मुँह किसने बंद कर दिया है ये एक सबसे बड़ी घटना है दूसरा और किस तरह से नुकसान पहुँचाती है और जो दूसरी मछलियाँ हैं ये जो मछलियों के सांस लेने वाली जगह जो होती है उसे कहते हैं गिल्स ये गिल्स को जाके ऐसी रिटीट कर देती हैं वहाँ पर ऐसी इचिंग कर देती हैं कि मछलियाँ वहाँ पर भी सांस लेने की बीमारी से जूझने लग जाती हैं और तबाह हो जाती हैं आई बात समझ में तो इस तरह के इस तरह से ये दूसरी मछलियों को तबाह कर देते हैं ओके okay? yes. इतनी कहानी समझ में आई yes. तो जब आप हैबिटेट को मॉडिफाई कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो मछलियों को आप ट्रैप कर रहे हैं उन मछलियों को जहाँ पे आपने ट्रैप किया है उन रस्तों को ये घेर लेती हैं जिसकी वजह से वहाँ पर समुद्र का या नदी का स्वच्छ जल मूव नहीं कर पा रहा है ऑक्सीजन का ट्र, ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा है इसकी वजह से साँस घुटने की वजह से बीमारी से वो लोग तबाह होने लग जाती है और ये लोग मजे लेने लग जाते हैं आई बात समझ में और कारण यह पाया गया है कि जो केरल की तट है उस पर टू थर्ड सी वॉल जो है वो ग्रेनाइट की है इसकी वजह से हो ये रहा है कि ये लोग जब अपना लार्वा छोड़ती हैं यानी कि जेलीफिश जो अपना लार्वा छोड़ती हैं क्योंकि ग्रेनाइट की वॉल बनाई गई है सारी पक्की वॉल तो लार्वा वहां टिक जाता है टिक जाने की वजह से सरवाइव ज्यादा हो रहा है इसकी वजह से ज्यादा बड़े पैमाने पर यह बढ़ रही हैं इसलिए तो ग्रेनाइट सी वॉल इज ऑल्सो द रीजन इन पर तो चर्चा ही नहीं होती थी चर्चा तो मैंने आपको बताया तब हुई जब इन्होंने मद्रास का एटॉमिक पावर प्लांट में जहाँ से पानी आकर के उसे ठंडा करना होता था वो पानी जिस स्क्रीन से होकर गुजरता है क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं ना उसको ही इन्होंने जाम कर दिया तब पानी जब पहुँटा ही नहीं कूलिंग प्लांट में तो तब हाहाकार मचा दो की बात है सन दो की बात है कल पक्कम पावर प्लांट में तब जा करके जिंदगी हिली पूरी आई बात समझ में तो उस दौरान ये स्टडी शुरू हुई तो रिसेंट स्टडीज हैं पूरे इंडिया में पुरानी नहीं है पूरे वर्ल्ड लेवल पर ये समस्याएं हैं तो कई सारे क्षेत्रों फैक्टर समझ में आ गए और फैक्टर कोई बचता है अब ये समझो फूड चेन आल्टे वाटर क्वालिटी डिटेरीशन करती है मैंने आपको समझा दिया वाटर क्वालिटी को कैसे डिटेरीट कर देती हैं ये फूड चेन को अल्टर कर देती हैं कैसे फूड चेन को अल्टर कर देती हैं सीधी सी कहानी सीधी सी कहानी है कि ये श्रिम्स की प्रॉन्स की पॉपुलेशन को रिड्यूस कर देती हैं क्यों क्योंकि जो लार्वा होता है जो जैसे सरदाइन फिश जो है मैंने बताया पहले एग होगा फिर लार्वा बनेगा इनकी एक आदत है ये लार्वा पे फीड होती है ये लारवाही खा जाती है लार्वे के बाद वाली स्टेज को भी ये खा जाती हैं माइनर स्टेजेस ऑफ द फिश जो हैं ये उन्हें भी खा जाती हैं इसकी वजह से ये पाया गया है कि फिर वो जो श्रिम्प है या वो जो प्रॉन है उसकी वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे जब आप उनका लारवाही खा जाओगे तो वो बनेंगे कहाँ से तो उसे रिक्रूटमेंट कहते हैं सो रिक्रूटमेंट ऑफ द श्रिम्प रिक्रूटमेंट ऑफ़ द प्रॉन इसलिए कम हो रहा है क्योंकि ये लारवा पे फीड होती है आई बात समझ में दूसरी कहानी सुनो ये बहुत सी और जीव जंतुओं को मदद भी पहुंचा रही हैं वो कैसे ये इस तरह से मदद पहुंचा रही हैं कि उन उन फिशेस के जो जो भी प्रिडेटर थे उन फिशेस के जो जो भी प्रिडेटर थे मतलब कि वो जो फिश है उस फिश के लार्वा को खाने उस फिश को कोई प्रे करता था जो प्रे करता है वो किसी लार्वा को खाता है ये जा करके उसके लार्वा को उस लार्वा को पहले खा लेती हैं तो उस प्रेडेटर को फूड नहीं मिलता है इसकी वजह से वो नंबर में घटता जा रहा है इसकी वजह से वो जिसका शिकार करता था वो नंबर में बढ़ते जा रहे हैं वो नंबर में बढ़ते जा रहे हैं तो फूड चेन को अल्टर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं yes, पूरा फूड चेन हिला रहे हैं कि नहीं हिला रहे हैं yes, सी टर्टल से डरती थी डॉल्फिन से डरती थी मैंने बताया वो वैसे ही घट गए उनको बढ़ाना पड़ेगा फिर ही इनका उपाय हो पाएगा जैसे हमने देखा चीलें ख़त्म हो गई तो लोकस्ट स्म बढ़ गए चीलें बनी रहेंगी चीलें वल्चर ईगल बस्टर्ड तो फिर स्वम्प भी नहीं होंगे लोग कष्ट वाले टिड्डी दल भी घट जाएंगे ऐसे ही ये हैं तो इस तरह से ये फूड चेन को अल्टर करने का पूरा दम रखती हैं ये फाइटो ये जू प्लैंगटन को खा जाती हैं जिसकी वजह से बाकी मछलियों के सर्वाइवल का रेट घट जाता है फूड चेन को इन्होंने अल्टर कर दिया ये ऐसे जीव जंतु जिनको खाने वाली दूसरी मछलियाँ उनका फूड ये उड़ा जाती हैं तो वो मर जाती हैं तो वो जीव जंतु बढ़ जाते हैं नंबर में इस वजह से ये तबाही मचा रही हैं तो ये सारे कारण हैं कि जिसकी वजह से फूड चेन को अल्टर कर दे रही है आई बात समझ में किसानों की तो हालत बुरी है वो कहते हैं कई कई दिनों तक हमें फ़िश कैच रोकना पड़ता है क्योंकि फ़िशिंग नेट में ये आ जाती हैं जबकि इनकी उनके मुताबिक कोई इकोनॉमिक वैल्यू है नहीं और वो ये कहते हैं कि इनका हम करें क्या जब फिश नेट झाड़ते हैं आँखों में पड़ती हैं आकर के पानी ये आँखें सुझा देती हैं रैशेज़ हमारे बॉडी पे इतने हो रखे हैं किसी को अपडोमिनल पेन हो रही है किसी को वॉमिटिंग हो रही है किसी को सांस में दिक्कत आ रही है किसी को कुछ हो रहा किसानों को नुकसान पहुंचा रही किसान कहते हैं इनसे बच नहीं सकते इतनी ब्लूम होने लगी हैं कि इनसे बचाओ नहीं हम श्रिम्स नहीं कैच कर पा रहे हम प्रॉन्स नहीं कैच पा रहे प्रॉन और श्रिरिप सीज़न में ये बढ़ती हैं कहते हमने इतनी मेहनत से कोशिश की होती है ब्रीडिंग ग्राउंड तैयार किया होता है वहाँ पर प्रॉन्स आएँगे शिम्स आएंगी ये पहले ही आके उनके लार्वे खा लेती हैं श्रिरिम्प प्रॉन तो हो ही नहीं रही यही हो रहे हैं ज़िंदगी तो तबाही के आलम में जा रही है टूरिस्ट अलग से दर्द में जी रहा है क्योंकि जब ये समुद्र किनारों पे आकर के मरी हुई सी पड़ी रहती हैं तो एक तो एस्थेटिक ब्यूटी तबाह हो जाती है और दूसरा इनके मरे से पड़े रहने की वजह से जो इनकी दुर्गंध आती है जिनका बैड ऑर्डर आता है बदबू वो दूसरा तबाही मचा रहा है बदबू की वजह से लोग उस तरफ जाने नहीं जाते टूरिस्ट गाइड पहले कहते हैं अरे साहब कहाँ जाना चाहते हो अरे अरे बड़ी बदबू है वहाँ पे जीव जंतु जानवर आए हुए हैं तो इस वजह से ये तबाही मचा रहे हैं लेकिन कुछ कुछ कोस्ट में ये फ़ायदा भी दे रही है जैसे कि ईस्ट कोस्ट में सी टर्टल्स की मात्रा उड़ीसा के क्षेत्र में बढ़ने का एक कारण ये पाया गया जेली फिश का ब्लूम क्योंकि वो इसे खाते हैं तो ये भी याद रखना वैसे इसे फूड चेन में डेड एंड कहा जाता है वैसे इसे फूड चेन में डेड एंड कहा जाता है कि ये तो एंड में ही आती सबको खाने खूने का काम इसका है ये किसी को लाभ उतना नहीं दे पाती लेकिन नहीं कुछ ऐसी फिशेज और कुछ ऐसे टर्टल्स हैं मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका आहार ये बनती है इतनी भी डेड एंड नहीं जिसका प्रमाण है ईस्ट कोस्ट पे एपिसोडिकली ही टर्टल्स का बढ़ना क्योंकि ये जेली फिश का ब्लूम बढ़ जाता है और वो इन्हें खा के मदमस्त हो जाते हैं कहते हैं अब हम भी आएंगे जिंदगी में आई बात समझ में डी प्लांट्स में भी पानी समुद्र का जाना है उन्होंने भी स्क्रीन लगाई है उसमें भी यही फंस जाती है पानी अंदर नहीं जा पाता तो जितनी भी स्क्रीन को आज साफ़ किया जा रहा है उसमें से सत्तर अस्सी परसेंट मात्रा इन्हीं की मिल रही है। बाकी ऑर्गेनिज्म तो मिल ही नहीं रहे ये एक समस्या की कहानी तो अभी मैंने बताया हिंड्रेंस इन सी वाटर अपटेक बाई प्लांट क्लॉगिंग ऑफ द नेट उनकी नेट को पूरा क्लॉग कर देती हैं मछली कैच हो फिश कैच नहीं हो पाता है टूरिज्म डिक्लाइन जितने भी स्कूबा डाइवर्स हैं जितने भी तैराक हैं जो टूरिज़्म करने जाते हैं केरल में उनका पर्पज़ क्या रहता है स्विमिंग करना डाइव करना स्नूक करना मजे लेना वो अंदर जाते हैं ऐसे डंग मरा के आते हाँ ऐसे <laughs> लंबे लंबे ब्लॉग लिखते हैं बुध में अरे <laughs> केर, केरल के तट पे ना जाना अरे <laughs> क्यों कैसे डंग पड़ेगा ऐसा कि तीन तीन दिन तो आंखें नहीं बैठेंगी बेटा और जन्मों जन्मों तो कहीं खुजली मिलेगी शरीर में कई तो बड़ी घातक है कई जो है वो शैतान है वो नॉन फेटल है लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा कि तंग नहीं कर सकती तंग करने पूरा दम रखती मछलियाँ तक को चिल्ला देती हैं पूरा मतलब ईचिंग कर करके मछली भी चिल्ला रही होती कहते क्या कर दिया मुझे इंसानों की क्या ही हालत तो होगी सोचो ओके तो टूरिज़्म घट रहा है ऐसे टूरिज़्म को बड़ा ज़बरदस्त प्रभाव इटली में पड़ा पूरे वर्ल्ड लेवल पर ये टूरिज़्म तंग हो रहा है पूरे वर्ल्ड लेवल पर किसान तंग हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पर दुर्गंध दुर्गंध ने जो गोपालपुर उड़ीसा के क्षेत्र की बात कर रहा हूँ दुर्गंध ने ऐसा हाहाकार मचाया लोग कई दिन तक सी कोस्ट पर नहीं गए कहते हैं बदबू ने दिमाग हिला रखा है वहाँ पर क्योंकि ये आकर के बैठ गई थी इनको सफाई करने में दिमाग बढ़ा जाता है फिर आ करके टिक जाती झुंडों में आती हैं फिर ये आई बात समझ में ये सब परेशानियाँ ये पैदा कर रही हैं अब आप कहेंगे सर इनको जरा ठीक तो कर दो सुधार दो ये तो ठीक होने से रही इनका शॉर्ट टर्म कोई इलाज नहीं है लंबा ही खेला होगा लंबा खेला इसलिए नहीं हो पा रहा कि ये नहीं समझ में आ पा रहा कि कैसी एग्जैक्ट इन्वायरमेंटल कंडीशन इन्हें प्रभावित कर रही हैं ये नहीं समझ में आ रहा आप, आ रहा है कि एग्जैक्टली exactly क्या फैक्टर्स हैं इस पर कंसेंसस नहीं बन पा रहा साइंटिफिक कम्युनिटी में अलग अलग कोस्ट में अलग अलग कारण ऑब्जर्व हो रहे हैं डोमिनेंट बट कन्वर्जेंस नहीं हो पा रहा है कि हाँ यही 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 कारण है फिर ये एपिसोडिकली हो रहा है फिर ये उतने बड़े पैमाने पर अब तक इसने प्रभावित नहीं किया था अब होना शुरू हुआ इसलिए इसके ऊपर उतनी डिटेल्ड साइंटिफिक स्टडी हो नहीं पाई जब साइंटिफिक स्टडी नहीं है तो डाटा अवेलेबल नहीं है जब डाटा अवेलेबल नहीं है तो कैसे पता लगाएंगे कौन के कौन से फैक्टर इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है किस किस तरह से सेलिनिटी इंपॉर्टेंट है वाटर करंट इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर का कितना रोल है एनवायरनमेंट का कितना रोल है जब ये पता ही नहीं लगेगा तो पैरामीटर कैसे तैयार करेंगे जब पैरामीटर ही नहीं तैयार होंगे तो कंटेम कंटेमिनेट कंटेन करने की स्ट्रेटजी कैसे तैयार होगी जब ये जब ये सब करना है तो स्टडीज कंडक्ट करनी पड़ेंगी स्टडीज कंडक्ट करने के लिए ये एक ग्लोबल फेनोमेना है तो पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ को एकजुट होना पड़ेगा एकजुटता में भारी कमी है क्योंकि मुद्दा नया है ज़्यादा पुराना नहीं है और बड़ा स्पॉरेडिकल है बिखरा बिखरा सा है आई बात समझ में ये सारे कारण हैं लेकिन इसकी बहुत इनडेप्थ साइंटिफिक रिसर्च करनी होगी डेडिकेटेड वे में फार्मिंग कम्युनिटीज को साथ जोड़ना होगा उनके नरेटिव्स लेने पड़ेंगे कि क्या क्या उन्हें फेस करना पड़ता है उनके ज्ञान को समझना पड़ेगा कि सही मायने में कैसे एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर और कैसे कैसे नेचुरल फैक्टर इसमें रोल प्ले करते हैं कई सारे हार्बर्स आज आपने क्रिएट कर दिए समुंद्र के किनारे कई हार्बर कई तरह से नदियों की इम्बैकमेंट कर दी कई डैम बना दिए रिवर का फ्रेश फ्लो जा नहीं पा रहा जबकि ये प्रमाणित है कि जहाँ जहाँ पर नदियाँ जा करके फ्रेश फ्लो ऑफ वाटर देती हैं वहाँ वहाँ पर जा करके सेलिनिटी रिड्यूस हुई है तो जिन जिन जेलीफिशेज़ को हाई सेलिनिटी में वहाँ पर रहने की आदत है सेलिनिटी रिड्यूस होते ही उनकी पॉपुलेशन वहाँ रिड्यूस हो जाती है क्योंकि मैंने बताया फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन में ये पनपती हैं और फिर क्लेप्स भी कर जाती हैं तो नदियों का इनफ्लो तो हम नदियों का आउटफ्लो तो हमने समुंदर के उन्होंने और वैसे ही रोक दिया तो नदियों का अनऑब्स्ट्रक्टिव फ्लो बनाए रखना पड़ेगा नदियों का फ्लो समुद्र की ओर जाना कितना महत्वपूर्ण है आपने देखा वो बहुत ज़रूरी है केव जैसी एग्रीकल्चर केव जैसा एक्वाकल्चर जो सिस्टम है उसे बहुत ही जबरदस्त वे में साइंटिफिकली चलाना पड़ेगा रेगुलर क्लीनिंग उसकी करनी जरूरी है जो फिशेज हैं उनको रेगुलर ऑक्सीजन सप्लाई पहुंचना जरूरी है जो एक्वाकल्चर में है बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में जितना रिक्वायर्ड है उतनी अमाउंट में ही न्यूट्रिएंट्स आपको सप्लाई कर रहे हैं ताकि अनड्यू ग्रोथ ऑफ द अदर ऑर्गेनिजम्स ना हो जो अनडिजायरेबल हैं फ़ूड चेन में इनका महत्व क्या है जलीफिश का इसको इसको समझना ये भी ना हो कि ऐसा मैकेनिज्म ले आए हैं कि जलीफिश ही समाप्त हो जाए जबकि ये फूड चेन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है फूड वेब का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये तो इनको जीवित रखना भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है जिनका इन, जितना इनको कंट्रोल करना है आई बात समझ में इस तरह की सारी स्टडीज कंडक्ट करनी पड़ेगी हाल के समय में इन्होंने सामाजिक आर्थिक तौर पर सोशल इकोनॉमिकली परेशान किया हुआ कल्चरली लोगों को परेशान किया हुआ है ये और क्लाइमेटिकली उसका इम्पैक्ट तो मैंने आपको पूरा समझा ही दिया है तो क्लाइमेट इको सिस्टम बायोडाइवर्सिटी सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसके रैम्पेंट हैं इसको जल्दी ही समझाना पड़ेगा आने वाले दिनों में जब जब ये एपिसोड आपके सामने आए इसके बारे में पढ़ते रहें तब तक के लिए धन्यवाद